بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 6.4. And in this lecture, I am going to discuss all questions and examples related to your smart syllabus, Punjab Board. Punjab Board mein jo smart syllabus hai, usse related examples aur question aaj ke lecture mein hum discuss karne ja rahe hain. बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने जा रहा है और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आई थी. मैं अगर यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि जी वहाँ पे ये लेक्चर अपलोड किया जाए, बस बेटा एक यही बात है कि बास टाइम कंपोजिंग में एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स भी देने होते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देखना होता है, तो बहुत कम टाइम होता है. लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए जब जो भी टाइम हो आपका लेक्चर बना दूँ. आज के लेक्चर में जो हम तीन एग्जांपल नंबर टू पेज 277 पे हम करेंगे, एग्जांपल फोर है पेज 279 पे है, एग्जांपल फाइव है 280 पे. क्वेश्चन नंबर वन का हम सेकंड पार्ट करेंगे 5, 9 और 10. क्वेश्चन नंबर टू का 1, 8, 3, 9 और 10. क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, 5 करेंगे, 6 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. अच्छा, एग्जाम्पल जैसे जैसे क्वेश्चन के जो टॉपिक आते जाएंगे उसके साथ मैं मिक्सअप करता जाऊँगा, जो बिल्कुल मिलती जुलती होंगी, ताकि ये टॉपिक आपके लिए थरोली उसी के साथ ही एग्जांपल मैं सॉल्व कर लूँ, आसान होता जाएगा. ठीक है जी, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे मैंने आपको सिक्स चैप्टर की थ्योरी में कुछ चीज़ें आपके इसके बता दी हुई हैं. आप जिन दोस्तों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो सिक्स चैप्टर की थ्योरी सुन लें, जिसमें ऑल डेफिनेशन पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स से रिलेटेड मैंने सभी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद पैराबोला. पैराबोला है क्या, अब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो पैराबोला की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक डेफिनेशन उसकी क्या होगी, इफ द इंटरसेक्शन प्लेन इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू अ जनरेटर ऑफ द कोन बट इट इंटरसेक्ट इट वन नेव्स ओनली देन द कर्व इंटरसेक्टेड कर्व इज अ पैराबोला. ये डायग्राम आपके सामने है कि अगर वो ये कह रहा है कि ये पैरेलल टू जनरेटर हो, तो जब एक प्लेन इसको कट कर रही है एक नैब को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला. जिन्होंने वो सिक्स चैप्टर वाला थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा उनके लिए बहुत सारे ये वर्ड नए होंगे कि नैब क्या चीज़ है, जनरेटर क्या चीज़ है, रूलिंग्स भी वो हमने पढ़ा हुआ है. सो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी सिर्फ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर थॉरली आपने देखना है तो मैंने आपको वो उस वीडियो में ये सारा कुछ बता दिया हुआ है. सो यहाँ पे जस्ट मैं इसकी डेफिनेशन ऐड कर रहा हूँ. आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर देख लेंगे तो इंशाल्लाह और थॉरली आपको ये समझ आ जाएगी कि ये पैरेलल क्या चीज़ है जनरेटर के. तो ये आगे इसकी जब प्लेन पैरेलल टू जनरेटर कट करेंगे तो पैराबोला हमारे पास बन रहा है. ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट बेटा आपके पास अलजेब्रिक डेफिनेशन, पहले थी ज्योमेट्रिक देन अलजेब्रिक. अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इससे आप फेमिलियर हैं. ये है पैराबोला की शेप आपके पास. मैं कुछ इसमें चीज़ें आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ. इफ एल बी ए फिक्स लाइन इन अ प्लेन, ये एक लाइन एल जो है ये फिक्स लाइन है, और एफ बी ए फिक्स पॉइंट, और ये एक फिक्स पॉइंट हम ले रहे हैं जिसको फोकस का नाम भी हम दे रहे हैं. अब ये कह रहा है कि इस पैराबोला पे एक पॉइंट ले लेंगे पी, उसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले रहे हैं, एक्स और वाई. ये देखें ये पॉइंट पी लिया है. अब आपके पास वो क्या कह रहा है कि यार ये पी एफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी इन द प्लेन सच दैट, कि ये पी एफ और पी एम की जो रेशियो है ये ई के इक्वल होनी चाहिए. अब ई क्या चीज़ है, ये सेंट्रिसिटी कहलाती है, और अगर ई की वैल्यू वन है तो इस कॉनिक को हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे. मीन आपके पास अगर ये पी एफ और पी एम का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, देखें ई की जगह अगर हम वन रख रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिक्स कॉनिक को हम पैराबोला बोलते हैं. मैं फिर कहूँगा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, वो सिक्स चैप्टर के उस लेक्चर में मैंने एक पूरी स्लाइड पर सेंट्रिसिटी बताया ये क्या चीज़ है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स और डेफिनेशंस. तो अभी आपने सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि पी एफ और पी एम अगर इक्वल आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे. देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. मैं फिर कह रहा हूँ
मैं जरा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में इसको करता जा रहा हूँ ताकि हम एक्सरसाइज पे फोकस करें। थ्योरी पे ऑलरेडी मैंने फोकस आपको उस वीडियो में कर दिया हुआ, उसमें सिर्फ मैंने थ्योरी बताई है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। चलें जी आगे। ओके नेक्स्ट सर जी, आपके पास टर्मिनोलॉजीज जो इसमें पैबोला में यूज होती हैं कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज दूसरे लफ्जों में मैं बात करूंगा वो कौन कौन सी लैंग्वेज वो यूज कर रहा है। अगर हम पैबोला की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज हो रही है, मीन अगर हम बात करें जी पैराबोला आपके सामने, अभी ये शेप आपके सामने थी, फिक्स लाइन जो हमने अभी लगाई थी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। फिक्स लाइन को क्या बोल रहे हैं, ये ब्लू कलर मैंने किया है, इसको बोलेंगे डायरेक्टर्स बोलेंगे। द फिक्स पॉइंट जो एफ हमने फिक्स पॉइंट लिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोकस बोलते हैं। तो दिस इज योर पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। फिर आपके पास कह रहा है द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्टर्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली ग्रीन कलर की लाइन, कहता है कि ऐसी लाइन जो फोकस के में से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है आपके डायरेक्टर्स पे, तो डायरेक्टर्स की ये लाइन थी, तो अगर ये 90 का एंगल बना रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला का नाम दे रहे हैं। ओके जी, मैं फिर कह रहा हूँ ये वो लैंग्वेज है जो हम यूज कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में यूज होती है, जो लेक्चर जब समझा रहा होता है तो ये लैंग्वेज यूज कर रहा है, उसके पीसेस करके आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि ये क्या क्या वर्ड्स हैं। अच्छा, द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट द पैराबोला, जहाँ पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को, या सॉरी एक्सिस ऑफ पैराबोला को मीट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है इसको वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला बोलेंगे। यहाँ पे ये कर्व जो है, ये पैराबोला जो है एक्सिस को टच करे, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। कलर लैंग्वेज आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अ लाइन जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। जिसमें हमने सर्कल में बात की थी कि अगर वो दो पॉइंट को ज्वाइन करे, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कलर लैंग्वेज अगेन मैं यूज कर रहा हूँ, तो इस पैराबोला के दो पॉइंट को इसने ज्वाइन किया है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड अ फोकल कॉर्ड। अब एक ऐसी कॉर्ड जो इसके फोकस में से गुजरे और ऑब्वियस बात है इस पैराबोला के दो पॉइंट को टच कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड। तो ये देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगी, फोकल कॉर्ड। तो कॉर्ड और फोकल कॉर्ड में फर्क समझ आ गए। एक और आपको फर्क बता, एक और डेफिनेशन यहीं पे है, द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक ऐसी कॉर्ड जो स्ट्रेट लाइन है तो वो परपेंडिकुलर हो किसके, एक्सिस ऑफ पैराबोला के। ये देखो, ये रेड वन जो मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये वाली लाइन जो फोकस के परपेंडिकुलर होगी, ऐसी कॉर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल कॉर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं लेटर स्ट्रेकम। और लेंथ ऑफ लेटर स्ट्रेकम जो होती है, ये होती है 4a के इक्वल, आई थिंक सो, ये आपके पेज नंबर 2 बुक के पेज नंबर 274 पे आपको ये मिल जाएगी। तो ये भी जुबानी याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ऑल, ऑब्वियस बात है लैंग्वेज हम सीख भी रहे हैं, बट अगर आप पास ये पेपर देखें तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है और इसमें से वो ऑब्जेक्टिव जब निकालता है तो ये वाला पेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने पढ़ी हुई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसकी क्या आ जाएगी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अगेन मैंने कलर लैंग्वेज बेटा यूज की है, होपफुली अगर आप थोड़ा सा फोकस करें हर एक लाइन में जो भी मैंने किया है, आगे बेटा उसको कलर से मेंशन कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चले आगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बेटा आपके पास समरी है, ये आपके पेज नंबर 276 पे चार आपके पास कॉलम है, मेन टेबल बने हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने पे बोला कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इन टेबल्स को याद कर लीजिएगा। इसमें जो लैंग्वेज है अभी मैंने बड़ी शॉर्ट फॉर्म में अभी आपको करवा भी दी है, जिसमें ये देखें ये चार कॉलम आपको नजर आएंगे। बुक खोल लीजिएगा अपनी, बुक के पेज नंबर 276 में पहला कॉलम, ये राइट में अपवर्ड आपके पास पैराबोला आ रही है,
लेफ्ट में होगा तो ये वाला कॉलम है, मीन अगर ये राइट साइड पे हुआ ओपन है तो इक्वेशन इसकी होगी, ये याद करना आपने। इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी फोकस क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एन जीरो, डायरेक्टर्स की इक्वेशन होगी। अब ये सारे वर्ड आपको भी बता चुका हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस है, उसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो जीरो, उसका एक्सिस क्या होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, लेटेस्ट रेक्टम एक्स इज इक्वल टू ए। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे ये है तो ये वाला कॉलम आपने याद रखना है, अगर अपवर्ड है तो ये है, और अगर डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड है, तो ये चार कॉलम आपने याद कर लेने हैं। इसमें से मोस्टली आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, और आगे आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी हम इससे और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करने चार भी हैं। देखो ये अब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। आप ये करेंगे तो आगे आपके लिए बहुत आसानी होती जाएगी। देखो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। ओके जी चलें आगे। सर ओके जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब एक्सरसाइज जरा स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेकंड पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में से इंक्लूड की है, जो स्टार्टिंग की है वो सेकंड पार्ट से है। काफी सारे पार्ट इसमें स्किप भी कर दिए हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम जल्दी से डिस्कस करने जा रहे हैं। यू हैव टू फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ दैट पैराबोला। पुरानी बुक में उसने और काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए बोली थी, अब न्यू जो इसमें है इसमें सिर्फ उसने फोकस वर्टेक्स डायरेक्टर्स बोला है, और फिर इसका ग्राफ भी बनाने के लिए कहा है। ओके जी तो ये अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16y, अगेन आपने फोकस वर्टेक्स और डायरेक्टर्स निकालना और फिर हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पेज नंबर 276 पे देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे उन चारों में से किसके साथ ये कंपेयर हो रहा है। सो कंपेयर इक्वेशन 1 विद दिस, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। टेबल आप देख सकते हैं आपके बुक के पेज नंबर 276 पे है। तो जनरल फॉर्म से हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया। ओके जी तो जैसे कंपेयर करेंगे, मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, ये गिवन था, ये जनरल फॉर्म हमने लिखी है, माइनस 4a क्या आ जाएगा, माइनस 16। मीन नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो रहा है, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4 है, तो आपका a जो आ गया ये 4 है। अब ये a आ गया है तो बहुत सारी हम चीजें निकाल सकते हैं, कैसे, पहला तो हमने फोकस है, अच्छा उसी कॉलम में आप देखें जहां पे x स्क्वायर माइनस 4ay है, तो फोकस का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो 0 और माइनस ए, जरा ढूंढो पेज नंबर 276, निकालते जाओ बुक, जो बाद में यूट्यूब पे भी देख रहे हैं कैंडी वो भी बुक अपने साथ रखें और साथ साथ इसको समझते जाएं, ताकि बेटा जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड कर सको। एक्चुअली ये कौन सा कॉलम है, चलें ये बताएं, यस ये फोर्थ कॉलम है, और फोर्थ कॉलम में अगर लेफ्ट पे आप देखें फोकस है, सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या आ रहा है, देखें 0 माइनस है, यही वाला फार्मूला जी मिल गया सबको। और अब a की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक्चुअली जो इसका फोकस आ रहा है वो उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0 एंड माइनस 4। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब बात करते हैं वर्टेक्स की, वर्टेक्स का फार्मूला उसी फोर्थ कॉलम में देखें, तो वर्टेक्स चारों में 0 0 ही है, तो इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 0 0 ओरिजिन की अगर हम बात कर रहे हैं। और लास्टली आपके पास आ रहा है इक्वेशन डायरेक्टर्स की इक्वेशन, और इसका फार्मूला जो दिया हुआ उसने एक्स डायरेक्टर्स की इक्वेशन का दिया हुआ उसने वाई इज इक्वल टू ए, फोर्थ कॉलम की बात कर रहे हैं, और ए चूंकि हमारे पास क्या है 4, तो इक्वेशन डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 4 आ रही है। ये देख लें जी, जहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो यही फाइंड करने के लिए बोला था, अब रह गया इसका ग्राफ, और ग्राफ बड़ा क्रिटिकल है, आपको 1.5 करवाई हुई है, आपको चैप्टर 5 करवाया हुआ है, फर्स्ट ईयर में हमने 11.2 देखी थी। अब जिनको ग्राफ आता उनके लिए आसानी है, जिनको नहीं आता उनको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आप कोशिश कीजिएगा इसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, उस बाद अभी मैं ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको जरा शॉर्ट फॉर्म में आप प्रॉपरली इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ग्राफ की तरफ अब हम जा रहे हैं, तो ग्राफ अगर हम देखें तो इसका क्या आ रहा है, सॉल्यूशन है जी, एज फोकस इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4,
वर्टेक्स आ रहा है जीरो एंड जीरो, एंड लास्टली डायरेक्टर्स क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 4। ये तीन चीजें हम निकाल चुके हैं। अब हमने ग्राफ किसका बनाना है, ये जो गिवन इक्वेशन है ना इसका ग्राफ बनाना है, व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 16y। अब जरा बात करते हैं जी इसकी। अब इसके टेबल के लिए मैंने बताया लीनियर हो तो दो पॉइंट कोऑर्डिनेट भी चल जाते हैं, दो वैल्यूज भी चल जाती हैं, ऑर्डर पे भी चल जाते हैं, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो कोशिश करो तीन से चार पॉइंट्स लें ताकि प्रॉपर एक कर्व बने। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू रख रहा हूँ जीरो। मैं फिर कह रहा हूँ ग्राफ देखना हो तो 1.5 बड़ा थारोली आपको करवाई हुई है सेकेंड ईयर की, अभी भी मैं कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ कलर लैंग्वेज आपको ये सारा समझा सकूँ, बट अगर और थारोली देखना चाहें तो 1.5 की चार वीडियोज हैं जो मैंने की नहीं, आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बट अगर ग्राफ को सीखना है तो वो चारों वीडियोज को जरूर देखिएगा। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में y की जगह मैं क्या कर रहा हूँ जीरो रख रहा हूँ, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 16 इंटू जीरो, तो x स्क्वायर क्या आ गया जीरो या x इज इक्वल टू जीरो। ये टेबल आपने कंप्लीट करते जाना है साथ साथ। तो एक दफा हमने जब y की वैल्यू जीरो रखी है तो आंसर आपके पास x का क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये हमने एक पॉइंट निकाल दिया। देखें यहाँ तक मैं कंफ्यूजन जी बेटा, ये अपनी मर्जी से आप पॉइंट रख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। जिस तरह मैं दूसरा पॉइंट रख रहा हूँ साथ साथ जरा इसको ड्रॉ भी करते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ के लिए होती है स्केल, मीन एक स्मॉल स्क्वायर वन यूनिट है ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो एक डिब्बा है एक बॉक्स है वो वन यूनिट का रख रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ पे अभी ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं व्हाइट पेज पे बना रहा हूँ। अब ग्राफ पे मैं फिर कह रहा हूँ वीडियोज आपको दी हुई है उनको देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि बेटा क्वेश्चन पे फोकस कर लूँ अभी। तो पहला पॉइंट आ रहा था जीरो जीरो, यानी कि जहाँ पे x की वैल्यू भी जीरो है और y की वैल्यू भी जीरो है। सो ये आपके पास बेटा पहला पॉइंट आ जाएगा जीरो एंड जीरो। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं जी, दूसरा पॉइंट अपनी मर्जी से अब ले लें, मैं y इज इक्वल टू माइनस वन रखता हूँ, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ अपनी मर्जी से ले, लेकिन कोशिश करें जो आउटकम आए वो होल नंबर में आए। जिस तरह अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव वन रख रहा हूँ तो ये मैंने लिख भी दिया है, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 16 इंटू माइनस 1। इक्वेशन 1 की बात हो रही है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो ये टेबल कंप्लीट करें। अब एक्चुअली हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बन रहा है एक तो प्लस 4 माइनस 1 का है और एक माइनस 4 माइनस 1 का, ठीक है। ऑर्डर पेयर में एक दफा x की वैल्यू 4, अब अगर हम गौर करें तो कहाँ पे आ रही है, ये इस तरफ है 4 और माइनस 1, तो 1 2 3 4 और नीचे माइनस 1 ये आ गया, और नेगेटिव 4 लेफ्ट साइड पे जाएं, नेगेटिव 4 फॉर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है और माइनस 1 ये है। मैं फिर कह रहा हूँ ग्राफ प्रॉपर बनाना चाहें तो जरूर बनाएं, ग्राफ पेपर में बॉक्सेस में आपके पास नंबर लगे होते हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर अगला नंबर लेने हैं जी, मैं वाई की जगह आप क्या रख रहा हूँ माइनस 4, तो जब वाई की जगह माइनस 4 इक्वेशन 1 में रखेंगे तो सॉल्व करके चेक करते हैं क्या आ रहा है, 16 4 16 4। मैं कोशिश कर रहा हूँ आंसर होल नंबर में आए, तो ये प्लस माइनस 8 आ रहा है, यानी कि दो ऑर्डर पेयर बन गए, एक 8 और 4 का प्लस का और एक नेगेटिव 8 और नेगेटिव 4 का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 और माइनस 4, और दूसरा क्या आ रहा है माइनस 8 एंड माइनस 4। तो ये बेटा आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको मिला देना है, और मिलाना एक कर्व से है, और ये जो कर्व है ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैराबोला जो है उसका ग्राफ आ चुका है, गिवन सॉरी पैराबोला उसका ग्राफ आ चुका है। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। जिस तरह ये फोकस है 0 एंड माइनस 4, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस 4 नीचे की तरफ होगा तो ये आ जाएगा आपके पास फोकस। वर्टेक्स ऑलरेडी हम कर सकें, डायरेक्टर्स y इज इक्वल टू प्लस 4, y पॉजिटिव बेटा ऊपर की तरफ होता है तो प्लस 4 का मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने 4 पे यहाँ पे लगा दिया है, सो y इज इक्वल टू 4 आपके सामने आ रहा है। तो ये अगर आप गौर करें तो ये आपके पास बेटा था ग्राफ ऑफ गिवन क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है, कलर लैंग्वेज प्रॉपर यूज की है, अगर मैंने ऑरेंज है जो पॉइंट है तो मैंने वैल्यूज भी उसी कलर की निकाली है। अगर आप गौर करें टेबल में भी वही कलर है और ग्राफ में भी वही कलर है। अगर ये पर्पल है तो मैंने एक एक कलर को प्रेजेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी होती है, जो आपको समझने में काफी आसानी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। लेकिन ये था सिंपल सा क्वेश्चन, तीन चीजें हमने फाइंड करनी थी, फोकस डायरेक्टर्स एंड वर्टेक्स, एंड लास्टली आपने उसका ग्राफ बनाना था।
ठीक है जी, चलिए जी, यहां तक कोई मसला? ओके है जी, चलें आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी आपका, उसने स्मार्ट सिलेबस के लिए कौन सा सिलेक्ट किया है। ओके जी, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बेटा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, अगेन यू हैव टू फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ दिस गिवन पैराबोला एंड देन स्केच इट्स ग्राफ एंड द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू y माइनस 1। ओके जी, तो आपके पास ये क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू y माइनस 1। इसको हम कंपेयर करेंगे, एक्चुअली अगर आप जनरल फॉर्म देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर 4ay होता है, इसको जब कंपेयर करेंगे लेकिन अब y की जगह पे आ रहा है y माइनस 1। अब ये थोड़ी सी अगली टाइप, अब अगर आप गौर करें तो ये डायरेक्ट जंप कर गया फिफ्थ पार्ट पे। पहले ये होता था कि हम शुरू के पार्ट करवाते थे और उसके बाद जब इस पार्ट पे आते थे तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती थी, बट यहाँ पे अब चूंकि डायरेक्टली हमें स्मार्ट सिलेबस में लेके जा रहे हैं सो मैं कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाए। देखो लेफ्ट साइड पे तो स्मॉल एक्स है लेकिन यहाँ पे वाई की जगह वाई माइनस वन है, तो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स लिख रहे हैं, मीन इस सारे को स्मॉल एक्स वाई से कैपिटल एक्स वाई में ले जाते हैं और इस वाई माइनस वन की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल वाई लिख रहा हूँ। मीन आपके पास क्या आ जाएगी जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आ जाएगा गिवन इक्वेशन, और कंपेयर हम जनरल फॉर्म से जब कर रहे हैं तो 4ay आ रहा है, मीन कैपिटल y आ रहा है, मैं फिर उसी तरफ लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हम क्या करेंगे जहां पे ये स्प्लिट हो जाएगा इसी तरह x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 y माइनस 1, तो अब हम क्या करेंगे इसको स्पोज कर लेंगे। आपको याद है ट्रांसलेशन भी हमने की हुई है, 4.2 की बात कर रहे हैं, तो हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो वेरिएबल स्मॉल एक्स वाई से हम कैपिटल वाई, और वाई को हमने डिफाइन कर दिया कैपिटल वाई देखो टू वाई माइनस वन, एंड स्मॉल एक्स की तो कोई बात नहीं, वो कैपिटल एक्स के इक्वल है। अच्छा, यहां से जब हमने कंपेयर किया है तो ए अगेन 276 से हम ये चीज ले रहे हैं तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब जब a आ गया है तो पहले तो बड़ा इजी था, फोकस का फार्मूला अगर हम गौर करें x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगेन 276 पे जरा ये कॉलम देख लें तो ये थर्ड कॉलम है और थर्ड कॉलम में जो फोकस का फार्मूला उसने दिया हुआ है वो 0 एंड a है। 276 जरा निकाल के रखें सामने, जब तक मैं समझा रहा हूं आपको समझते हुए आसानी होगी। तो इसमें अगर आप गौर करें तो फोकस आपके पास क्या आ रहा है, 0 एंड a, तो मुश्किल बात। अब बिल्कुल उसी तरह हमारे पास a की जगह 1 आ गया, ये फोकस आ गया, बट अभी ये फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज हमने इसको स्मॉल x को कैपिटल x कहा था और कैपिटल y किसके इक्वल था, y माइनस 1। आप दूसरे लफ्जों में समझे कि हमारे पास ये कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू आई है बट क्वेश्चन में हमारे पास स्मॉल एक्स वाई है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कैसे, मीन यहाँ पे कैपिटल एक्स जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है और कैपिटल वाई जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वन के इक्वल आ रहा है, बट हमें स्मॉल एक्स वाई में चाहिए। अब बैक सब्स्टिट्यूशन जैसे आप कह सकते हैं जी, तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, ये स्मॉल एक्स के इक्वल है और कैपिटल वाई किसके इक्वल था, ये वाई माइनस वन हमने रखा था, इसकी जगह पे ये आ रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये नेगेटिव वन होता जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसका मतलब जो फाइनल फोकस आ रहा है वो 0 एंड 2 आ रहा है। अब समझ आइए, सिर्फ इसमें क्या करना है आपने, बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है, अपने अल्फाज में मैं ये कह रहा हूं ताकि बेटा आंसर भी फाइनल हमारे पास वही फॉर्म आ सके। देखिए कोई मसला? ओके जी, नेक्स्ट चले वर्टेक्स। वर्टेक्स आप देखें तो इसका 0-0 था चूंकि हम जनरल फॉर्म है, बट ये एक कैपिटल एक्स और वाई 0 है, कैपिटल एक्स तो दिया था स्मॉल एक्स ही है लेकिन कैपिटल वाई की जगह आपके पास क्या आ गया, वाई माइनस 1, मीन एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये नेगेटिव होता जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू 1। सो फाइनली वी हैव आर वर्टेक्स 0-0 नहीं है चूंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल से अब उसमें कन्वर्ट हो गई थी, तो अब इसमें जो वर्टेक्स आ रहा है वो 0 एंड 1 आ रहा है, तो मुश्किल बात।
एक्चुअली बैच सब्स्टिट्यूशन करते हुए अब वो चेंजिंग आती जाएगी। जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सबका वर्टेक्स तो जीरो जीरो ही है, हर एक का जीरो नहीं है, जिस तरह यहाँ पे वर्टेक्स डिफरेंट आ गया है। एंड लास्टली वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड आप कॉलम देख सकते हैं, डायरेक्टर्स की इक्वेशन दी हुई है स्मॉल वाई इज इक्वल टू माइनस ए, बट चूंकि हम कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर चुके हैं, हाँ इसको बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें कि स्मॉल वाई कैपिटल वाई को हमने क्या लिखा था, वाई माइनस वन, ए तो हमारे पास था नेगेटिव वन, कैपिटल वाई तो था वो वाई माइनस वन था, सो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव वन प्लस वन, और यू कैन से दैट वाई इज इक्वल टू जीरो। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू जीरो, मीन ये एक्स एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये तीन चीजें फाइंड करनी थी, यहां तक देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वो हम निकाल चुके हैं। ओके है जी, चले आगे। अब क्या रह गया है, अब रह गया इसका ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में अब उसी तरह हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे एंड देन उनको ड्रॉ करेंगे और देन उनको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। सो लेट्स डू इट। मीन वी हैव, आपके पास है फाइंड द फोकस, ऑब्वियस बात है वो यही हम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, तीन चीजें हम फाइंड कर चुके हैं, फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्टर्स की इक्वेशन। तो ग्राफ हमने किसका बनाना है, ये इक्वेशन है, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। सो हम वो टेबल पूरा करते हैं, मैं पुट कह रहा हूँ वाई इज इक्वल टू वन, ये अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आप जीरो रख लें, माइनस वन, टू, जो भी आपकी मर्जी है। मैंने स्टार्ट किया है वाई इज इक्वल टू वन, सो पुट वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, लेट्स एक्स वन माइनस वन, ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, वन माइनस वन एक्चुअली जीरो आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू भी जीरो, ये ब्रैकेट क्लोज में सेकंडली इसको डाल दीजिए। इसी तरह मैं अगर हम बात करें, इसको साथ साथ ड्रॉ भी करते जा रहे हैं, उसी तरह स्केल अगर ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं, तो वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू वन यूनिट ऑन योर x एक्सिस एज वेल एज ऑन योर y एक्सिस। ग्राफ की बात कर रहे हैं, सो मेक योर x एक्सिस, ड्रॉ योर y एक्सिस, एंड द पॉइंट इज x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन, जीरो यहाँ पे होता है और y पॉजिटिव वन, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। एक्चुअली ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका वर्टेक्स ही आ गया, सो वर्टेक्स आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है जीरो एंड वन, कोई प्रॉब्लम। अगला पॉइंट कोई और देखते हैं जी, अगला पॉइंट मैं पुट करने जा रहा हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू टू, मीन पुट वाई इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में वाई की जगह पे मैं टू रखूंगा, तो ये टू माइनस वन क्या आ जाएगा, वन, मीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, और बाई टेकिंग अंडर रूट वी हैव एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। सो जब हमने वाई की वैल्यू टू रखी है तो हमारे पास दो आंसर आ गए, मीन अब दो ऑड और पेयर है, एक एक्स इज इक्वल टू टू वाई इक्वल टू टू, और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इक्वल टू टू। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनको ड्रॉ करते हैं, तो प्लस टू और टू का ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस टू राइट साइड पे होता है और ये ऊपर की तरफ चला गया है, ये थोड़ा सा और ऊपर कर ले, ये आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह नेगेटिव टू और टू, ये वाला पॉइंट, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को ग्राफ नहीं आता, पांचवा चैप्टर देख लें, 5.1 मैंने बड़ी थारोली करवाई हुई है, 1.5 बड़ी थारोली है, तो फिर ये उनके लिए फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे ग्राफ। आगे चलते हैं जी, ये दोनों हमने पॉइंट्स कर दिए हैं, फिर मैं वाई की वैल्यू ले रहा हूँ अपनी मर्जी से, मैंने 5 सेलेक्ट की है, तो आप कोशिश करें ऐसी वैल्यू लें कि जिसमें आंसर यहाँ पे होल नंबर में आ जाए, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, इसमें रट्टा नहीं लगाना। सो जब मैंने 5 रखा है तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4, 4 दा 16, आफ्टर टेकिंग अंडर रूट वी हैव x इज इक्वल टू दिस टाइम प्लस माइनस 4, अगेन दो ऑर्डर पेयर आ गए, एक प्लस 4 और 5 है और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव 4 और 5 आ रहा है, सो प्लस 4 ओरिजिन से हम प्लस 4 इधर जाएंगे और 5 ऊपर की तरफ होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ये कह रहा हूं जी 4 और 5 ये है, और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव 4 और 5 ये आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स हमने अब क्या करना है आ चुके हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे विद अ कर्व, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा गिवन पैराबोला का। देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन, अब बेटा इसका वर्टेक्स हमने निकाला है, फोकस भी जरा फर्स्ट से ड्रॉ किया हुआ, फोकस निकालते हैं, फोकस क्या है, जीरो यहाँ पे और टू इधर कहीं पे होगा, सो ये इसका फोकस, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। डायरेक्टर्स की इक्वेशन, उसने y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब है x एक्सिस, ये ब्लू वन, ये जरा चेक करें, ये आपके पास y इज इक्वल टू जीरो है, व्हिच इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो यही हमने चार चीजें बेटा, तीन तो हमारे पास ये अननोन थे,
और फोर्थ हमने क्या करना था, इसका ग्राफ बनाना था। तो इसके चार पेसेज हमने किए थे, वो चार के चार आपके सामने मैंने लिखनी है, लिखे भी है और ड्रॉ भी करनी है जो ग्राफ वाला पोर्शन। देखिएगा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, तो ये था पार्ट फाइव, आगे चलते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नाइन है। अगेन यू हैव टू फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ गिवन पैराबोला and also sketch its graph, and that equation is x plus 8 minus y square plus 2y is equal to 0. अब थोड़ा सा obvious बात है, वो level up करता जा रहा है। सबसे पहले हमें इसको standard form की equation form में लेके आना है। Mean आपने complete square करना है, mean ये आपके पास given equation है। You can write it as ये negative होता जाके positive हो जाएगा, ये positive negative हो जाएगा, या थोड़ा सा और तरतीब लगा लें, ये left पे कर लेंगे, right पे shuffle कर देंगे। तो ये आ रहा है y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब जरा कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं लेफ्ट साइड पे। तो फार्मूला आपको याद, आपने क्या पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें b नहीं था तो मैंने 1 स्क्वायर ऐड कर दिया है, और मैथ का रूल है अगर एक साइड पे ऐड करेंगे तो दूसरी साइड पे भी। जिनको कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता उनसे रिक्वेस्ट है 4.1 देख लीजिएगा, पूरा लेक्चर मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर पे है, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अपलोड मैं कर चुका हूँ, ताकि जिन पे इसकी बेस नहीं आती वो बेस कर लें। यहाँ पे ऑब्वियस बात है मैं बहुत ज्यादा थॉरली नहीं समझा पाऊंगा, सो अभी सिर्फ इतना है कंप्लीट स्क्वायर किया है ए स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैरून वन मैंने 1 स्क्वायर इधर ऐड किया है। मैथ का रूल है अगर एक तरफ ऐड करते हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी उसको ऐड कर देंगे। सो मैंने 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास फार्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक्चुअली अब ये आपके पास जरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यानी कि इसमें अब h और k ओरिजिन 0 0 नहीं रहा, अब ये चेंज हो गया है। अब हमने लेट करना है, एक्चुअली इसे मिलती जुलता वो 276 में देखेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax आ रहा है। अब आपने उसी तरह कॉलम देख लेना, ये पहला कॉलम ही बन रहा है, बट इसको कंपेयर किसके साथ करना है, y की जगह पे y माइनस 1 है, सो कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस 1 और स्मॉल x प्लस 9 इज इक्वल टू कैपिटल x, सो इट बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और कंपेयर किसके साथ करेंगे, ये 1 यही आ जाएगा ना, इधर y इधर x, और कंपेयर हम जनरल किसके साथ करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x के साथ। ये जनरल फॉर्म से यादानी के लिए लिखी है, और उसके बाद ये चीज आ गई, कंपेयर कर लेंगे, इसका a और इसका 1 आएगा, तो 4a इज इक्वल टू 1, या a की वैल्यू आ गई 1/4। अगर तो आपके पास वर्टेक्स 0 0 होता तो मसला नहीं था, चूंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है हमें इसको आगे और सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्टर्स। पहले देखें कि यहां तक ऑब्जॉर्व करें, ये चीज समझ आ रही है, चलिए अगर ये समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। आगे बेटा पहले हम फोकस निकालने जा रहे हैं। ओके जी, तो इसका आप फोकस देख रहे हैं, तो फोकस आपके पास क्या आ रहा है, लेट्स सेक फोकस a इक्वल टू 1/4 था। फोकस का फार्मूला पहले कॉलम में देख सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं a एंड 0, सो a की वैल्यू 1/4 रख लें और 0 की जगह 0 आ रहा है। मीन अब चूंकि ये कैपिटल x y था तो कैपिटल x इक्वल टू 1/4 है, और कैपिटल y कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 है, बट कैपिटल x को हमने क्या सपोज किया था, वो x प्लस 9 था, और कैपिटल y को हमने क्या सपोज किया था, y माइनस, बैक सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं जो हमने पिछली स्लाइड में की थी। यहां से अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, ये प्लस 9 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर 1 जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें 1-36, और यू कैन से दैट -35/4, और आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट जो आ गए -35/4 and 1। देखे जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन,
बैक सब्स्टिट्यूशन बस करनी है, जैसे ही हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज आ जाती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, मीन जो क्वेश्चन स्मॉल एक्स वाई है हम ऑर्डिनेट भी उसी के ही निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया फोकस वर्टेक्स की तरफ। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो जनरल फॉर्म में होते हैं वो जीरो जीरो है, बट यहाँ पे चूंकि हमने कैपिटल एक्स और वाई लिया हुआ है, कैपिटल एक्स किसके इक्वल था एक्स प्लस नाइन, कैपिटल वाई किसके इक्वल है वाई माइनस वन के, सो ये आ जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू, ये वन नहीं है ये जीरो है, ये भी मैं सेट कर देता हूँ, तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वन आ जाएगी। ये छोटी सी करेक्शन है जी, ये इधर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। ओके जी, वेट कीजिएगा, लोड कर रहा है। ओके जी, तो चलते हैं, तो ये आपके पास आ गया जी, फोकस भी आ गया है, वर्टेक्स हम निकाल रहे थे और वाई स्मॉल वाई नेगेटिव वन हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन, सो योर फाइनल वर्टेक्स इज माइनस नाइन एंड वन। एंड लास्टली ग्रेडियंट ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट कॉलम में देखें तो वो है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, मीन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए, कैपिटल एक्स किसके इक्वल था वो एक्स प्लस नाइन के इक्वल है और ए हमने क्या निकाला था वन ओवर फोर, और सिंप्लीफाई कर लें ये प्लस नाइन हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लें तो ये आ रहा है नेगेटिव 37 ओवर 4। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, ये हम पीछे भी आंसर यही लिखा हुआ है बट अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, नेगेटिव 37 इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी इसकी फॉर्म आ गई। तो ये बेटा हमने तीन चीजें पहले निकालनी थी, फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्टर्स। देखिएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चले आगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वन का नाइन, अगेन अब अपने ग्राफ बनाना, ग्राफ वाली ये वाली फॉर्म नहीं बल्कि इक्वेशन वन वाली फॉर्म कर लेंगे तो ज्यादा ही थी। अच्छा, ये तीन चीजें हमने निकाली थी फोकस वर्टेक्स और डायरेक्टर्स की इक्वेशन, मैं फिर कह रहा हूँ ये इक्वेशन वन को मैं यूज कर रहा हूँ, इसी को जरा हमने जब कंप्लीट स्क्वायर किया था तो ये फॉर्म लिखी थी इक्वेशन वन, बिकॉज ग्राफ बनाते हुए इसको जरा वैल्यू रखते हुए आसानी होगी। मीन पहले मैं अपनी मर्जी से एक्स इक्वल टू जीरो रखें वन रखें, बट यहाँ पे मैं माइनस एट रख रहा हूँ, जैसे ही एक्स की वैल्यू माइनस एट रखूंगा मैं वो वैल्यू रख रहा हूँ ताकि आंसर होल नंबर में आ जाए, तो ये नाइन में से एट निकालेंगे तो वन आ रहा है, बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव वाई माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। बेटा दो वैल्यूज आ रही, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक दो आंसर आएंगे नेगेटिव वन उधर जाके क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो एक दफा ऐड करेंगे वन प्लस वन टू आ जाएगा और एक दफा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, सो योर फाइनल आंसर इज टू एंड जीरो। वाई की दो वैल्यूज आ गई फॉर एक्स के लिए, तो ये ले दी, अब लदा लद बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैंने अभी इकट्ठे लिख दिए हैं, जरा टाइम को सेव करते हैं। मीन जब एक्स की वैल्यू आप माइनस एट रख रहे हैं तो वाई के दो आंसर आ रहे हैं, एक टू आ रहा है और एक आपके पास क्या आ रहा है जीरो के इक्वल आ रहा है। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चले अगला बनाते हैं जी, अगली वैल्यू मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ चले जी, स्केल भी साथ साथ ड्रॉ भी करते जाए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ओरिजिन जीरो जीरो है, पॉइंट है जी माइनस एट, एक्स की वैल्यू माइनस एट इस तरफ होगी लेफ्ट साइड पे और प्लस टू, प्लस टू अच्छा दो थे ना, एक माइनस एट एंड जीरो, जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो ये आ गया माइनस एट एंड जीरो, दूसरा है माइनस एट एंड प्लस टू, प्लस टू ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, सो अगला पॉइंट ये थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा स्पीड में ही हो गया है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना इधर, ये माइनस एट है तो बिल्कुल ऊपर आएगा। खैर, तो ये दो पॉइंट्स हमने निकाले थे जो आपके सामने आ चुके हैं, तो कन्फ्यूजन। अब एक्स की वैल्यू और रख लेते हैं, अब मैं यहाँ पे माइनस फाइव रख रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू माइनस फाइव रखी है तो ये फोर आ रहा है, अगेन बाय टेकिंग अंडर रूट वी हैव प्लस माइनस टू, ये नेगेटिव वन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो वन प्लस माइनस टू, एक दफा ऐड करेंगे तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री और एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन,
सो दो ऑर्डर पेयर और आ गए, मीन -5 एंड -1 एंड +3। सो पहला है जी -5 इस तरफ, -1 नेगेटिव नीचे की तरफ, दूसरा फिर -5 यहाँ पे और +3 ये ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट अगला आ गया है -5 एंड 3। ऑरेंज लैंग्वेज ऑरेंज कलर है ऑल द वे, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं एक और पॉइंट ले रहे हैं, नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, सो वी हैव x की जगह पे 0 रख रहे हैं, 9 आ रहा है, अंडर रूट लेंगे तो ये -3 आ रहा है, और नेगेटिव को उधर ले जाएं, एक दफा ऐड कर लें एक दफा इसको सबट्रैक्ट कर लें, सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 और 1 - 3 इज इक्वल टू -2। सो सिंपल वी हैव 4 एंड -2, दो ऑर्डर पेयर है, एक x इज इक्वल टू 0 और -2, 0 ये है और -2 के इधर आ रही, एक +4 है तो 0 पे +4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, कोऑर्डिनेट में लिखता जा रहा हूँ, और -2 बेटा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये ले ली मैरून कलर में, ये दोनों पॉइंट्स मैंने लगा दिए, इनको आपस में आपने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन जब करेंगे उससे पहले जरा वर्टेक्स भी वो कर रहा है डायरेक्ट, -9 एंड 1, -9 इस तरफ आएंगे, 1 ये आ रहा है तो फोकस भी लिख देते हैं, फोकस है ये पॉइंट्स में आ रहा है 35/4, ये 8 पॉइंट समथिंग है तो ये नेगेटिव है, और +1 ऊपर की तरफ आ जाएगा तो फोकस वर्टेक्स भी आ गया है, और इसमें से एक लाइन गुजर रही है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। अब जो पॉइंट्स हैं, एक और भी था डायरेक्टर्स की गई है, हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, यही वाली लिख लेते हैं, और अब एक कर्व बना लेते हैं जो ये रिक्वायर्ड पाथ में आ रही है, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखें जी यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके जी कोई मसला, श्योर है, चले आगे, चले गौर करते हैं जी आगे, हमें आसानी हो जाए आगे देखें। तो ये था 9 पार्ट, एक और पार्ट आई थिंक सो है आपके जो स्मार्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं वो देखते हैं, ओके जी नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी अपने लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात कर रहे हैं 1 की, तो 1 का 10 पार्ट है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, अगेन यू हैव टू फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, आल्सो स्केच इट्स ग्राफ। तो आपके पास इक्वेशन दी हुई है और ये लाइक पिछले पार्ट की तरह आप रिपीटेशन कह लें, इक्वेशन है सबसे पहले इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लेके जाएंगे ताकि कंपेयर करते हुए हमें आसानी हो। सो आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 8y + 4 इज इक्वल टू 0, यू कैन राइट इट एट एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4, ये नेगेटिव 8y उधर जाके बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर कर लें या आप इसके फैक्टर बना लें, ठीक है कंप्लीट स्क्वायर में अगर कह रहा हूँ तो ये स्क्वायर नेगेटिव 2ab + b², ये एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट ईयर में मैंने बड़ा थारोली कराया हुआ है, वो वीडियो देख सकते हैं जिनको कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता, इवन इसके आप फैक्टर बना सकते हैं 2 और 2 को सप्लेट करके -2x - 2x, तो तब भी आपके पास यही आएगा, तो ये आपके पास एक्चुअली क्या आ रहा है x माइनस 2 का स्क्वायर, ये कलर ऐसे ही किया है जी वो परेशान ना होइएगा, एक्चुअली वो ए आपके पास एक्स है और बी इसमें 2 है। तो बेटा अब आपके पास ये एक फॉर्म आ चुकी है, अब आप इसको कंपेयर कर लें, अगेन आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, बिकॉज ये एक्स की जगह पे एक्स माइनस 2 है तो आप कैपिटल एक्स पोस्ट कर लेंगे स्मॉल एक्स माइनस 2, और कैपिटल वाई जो है ये नॉर्मली जो है ये स्मॉल वाई के इक्वल आ जाएगा, सो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आ गया है, सो आपके पास गिवन इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8Y, यानी कि स्मॉल एक्स वाई से ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर किसके साथ करेंगे, पेज नंबर आप देख लें जी 276 याद है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वाई का कोफिशिएंट इधर 4a है इधर 8 है, एक्चुअली a की वैल्यू ही हमने निकालनी होती है स्टार्टिंग में, सो ये आपके पास a क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक पहले देख लें जी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके जी चलें आगे, चलें अच्छा जी अब ए आ गया है तो अब हम फोकस डायरेक्टर्स और वर्टेक्स की तरफ जा सकते हैं। इक्वेशन आपके पास ये थी, जस्ट रिमाइंडर के लिए मैंने दोबारा लिख दी है, ए की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है,
पेज 276 से हमने ये दोबारा से अब हम इसको यूज करेंगे और फोकस का फॉर्मूला अगर हम देखें 276 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास फोकस क्या आ रहा है 0 एंड 2a, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0 एंड सॉरी a, ठीक है जी। तो आपके पास ये एक्चुअली थर्ड कॉलम की हम बात कर रहे हैं, थर्ड कॉलम को हम लेके चल रहे हैं फॉर एक्स स्क्वायर 4ay का। अच्छा जी, अब ये कैपिटल 0 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू रखी है 2, बट ये कैपिटल एक्स और वाई में आया, हमें आंसर स्मॉल एक्स और वाई की फॉर्म में चाहिए। मीन आपके पास कैपिटल एक्स 0 आ जाएगा और कैपिटल वाई 2 आ जाएगा। बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, कैपिटल एक्स हमने सपोज किया था स्मॉल एक्स माइनस 2 के और कैपिटल वाई को हमने स्मॉल वाई कहा था, सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फोकस आ गया रिक्वायर्ड वो 2 एंड 2, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट हम क्या निकालने जा रहे हैं जी, वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 0 बट ये कैपिटल एक्स और वाई आया है, मीन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है और कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। कैपिटल एक्स की जगह पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये एक्स माइनस 2 आ जाएगा, कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के इक्वल है, इट मींस एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है और वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इट मींस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए जी 2 एंड 0। लास्टली अगर हम देखें तो डायरेक्टर्स की इक्वेशन, उसी तरह कॉलम नंबर 3 देखें तो यहां पे डायरेक्टर्स की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू माइनस ए है, बट ये y कैपिटल है, चूंकि हमने कैपिटल y और स्मॉल y सेम है तो एक्चुअली ये स्मॉल y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू रखेंगे 2 तो ये माइनस 2 आ गया। तो बेटा तीनों चीजें हमने निकालनी है, फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्टर्स, ये हम निकाल चुके हैं। अब हम आगे जा रहे हैं जी, इसका ग्राफ बनाते हैं। सो बेटा इसके ग्राफ की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ग्राफ में क्या होगा, सबसे पहले हमें वो टेबल कंप्लीट करना होगा, अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकते हैं, हमने इक्वेशन 1 बनाई थी मैं उसी को यूज करूंगा ताकि वैल्यू रखते हुए हमें आसानी हो, इसी को हमने कम्पैक्ट फॉर्म में ये किया था। आप ये वाली वैल्यू इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमने निकाली हुई थी, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्टर्स हमने निकाला हुआ है। अच्छा जी, अब बात चल रही है जी एक्स, अपनी मर्जी से आप वैल्यू रख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, वर्किंग प्रॉपरली शो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं टेबल बिल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ईच एंड एवरी पार्ट हम कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी वर्किंग आप खुद कर लीजिएगा। मीन मैं यहाँ पे एक्स में अपनी मर्जी से वैल्यू रख रहा हूँ माइनस 2, इसमें इक्वेशन 1 में, ठीक है, बाकी पार्ट में ये सर मैंने रख के दिखा दी थी आपको। तो माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, नेगेटिव 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 8 से डिवाइड करेंगे तो y का आंसर क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। फिर मैं x की वैल्यू सपोज कर रहा हूँ, साथ साथ चलो इसको ड्रॉ भी करते जाते हैं। फॉर x एक्सिस स्केल 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो स्केल जरूर मेंशन करें। ये x और y है, ये आपके पास आ गया है जी और पॉइंट आपके पास आ रहा है माइनस 2 एंड 2, x की वैल्यू माइनस 2 इधर लेफ्ट साइड पे होगी और पॉजिटिव 2 वाई का है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैं फिर कहूंगा ग्राफ को थॉरली समझना है तो 1.5 की मेरी 4 लेक्चर हैं, चारों क्वेश्चन के वो जरूर देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ग्राफ समझ आ जाएगा। सो ये आ रहा है माइनस 2 एंड प्लस 2, ओके। देन एक्स की वैल्यू क्या मैं रख रहा हूँ, अपनी मर्जी से अब 0 रख रहा हूँ, जैसे ही मैं एक्स 0 रखूंगा तो 0 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8 ये 1/2 आ जाएगा, तो ये भी पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0 है 1/2 प्लस y, y की वैल्यू 1/2 या 0.5 अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे आ रहा है। अगला पॉइंट हम जो देख रहे हैं जी वो मैं रख रहा हूँ x इज इक्वल टू 2, 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 8 जो है वो 0 ही रहेगा। सो अगला पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 चलेंगे इसकी राइट साइड पे और y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये x एक्सिस की बात कर रहा है। So our next point is this 2 and 0. Next हम proceed करते हैं जी, और actually ये vertex ही था हमारे पास 2 and 0, तो ये vertex आ गया है। Next अगर हम proceed कर रहे हैं x is equal to 4 मैं रख रहा हूँ अपनी मर्जी से value, 4 रखेंगे तो 4 minus 2, 2 का square 4 आ रहा है, 4 और divided by 8 again ये 1/2 आ जाएगा, तो 4 हम positive side पे जाएंगे तो ये 4 है और 1/2 करेंगे तो थोड़ा सा अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये approximately ये आ रहा है 4 एंड 1 ओवर 2। नेक्स्ट मैं वैल्यू जो चूज कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 6 के लिए कह रहा हूँ, तो 6 को जब इक्वेशन 1 में रखेंगे 6 माइनस 2 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 8 तो ये 2 आ रहा है। सो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 6 और 6 इस तरफ और 2 हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे
तो ये आपके पास 6 and 2 आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। अगर इधर देखेंगे तो 2 इधर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। चलें अभी कर ही लेते हैं जी इसको, ताकि साथ साथ काम होता रहे, क्योंकि इधर 2 हमने ये रखा है, या ये 2 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि बैलेंस रहे, ठीक है जी। क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, ये वाइट बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें जी, ये हमारा ग्राफ का सेशन चल रहा है जी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे जी, ये सारे पॉइंट्स मैं लगा रहा हूँ, दूसरा पॉइंट लग गया, थर्ड एंड लास्ट। यस, एक्स इज इक्वल टू 6 और वाई इज इक्वल टू 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जी यहाँ पे आ रहा है। फिर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें या नीचे कर लें, ग्राफ एक तक बन जाएगा। अब आप इनको मिला दें तो आपके पास एक कर्व आ रही है जो कि रिक्वायर्ड पैराबोला होगी। और बाकी भी पॉइंट सब लगा देते हैं, फोकस भी लगा देते हैं। फोकस है प्लस 2 and 2, यानी कि वाई इक्वल टू 2 इधर है और प्लस 2 ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया है फोकस, डायरेक्टर्स भी बना लेते हैं, वाई इक्वल टू माइनस 2। माइनस का मतलब है आप नीचे की तरफ जाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली ये वाई इक्वल टू माइनस 2 ये आपके पास आ गया है। तो ये है जी आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है, देख लें यहाँ तक तो कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, मजे का था। कोशिश की है सारी चीज़ें निकालने के बाद, मैं फिर कह रहा हूँ पुरानी बुक में उसने डिफरेंट चीज़ें पूछी थी, जो मेरे पास अभी है उसमें फोकस बटन और डायरेक्टर्स ही पूछा है और ग्राफ पूछा है, जो मैंने निकाल दिया है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बुक करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 1 स्मार्ट सिलेबस में यू हैव टू राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखनी है, दिस टाइम इक्वेशन निकालनी है विद गिवन एलिमेंट्स, इसमें फोकस दिया हुआ डायरेक्टर। आप ये समझें उसी का रिवर्स है कि पहले इक्वेशन दी होती थी तो हम फोकस डायरेक्टर्स और वर्टेक्स निकालते थे, अब ये फोकस और डायरेक्टर्स दिया हुआ है और हमने इक्वेशन निकालनी है। चलिए जी कोई बात नहीं, अच्छा इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको रफली आपको एक क्वेश्चन का बना के दिखा रहा हूँ। पी एक पॉइंट हम ले रहे हैं पैराबोला पे, तो ग्राफ जो बनेगा फोकस होता है -3 and 1, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। पॉइंट हमने ये लिया है, ये पैराबोला है जी, और ये आपके पास 0 0 है और ये डायरेक्टर्स की कोई है एक्स इज इक्वल टू 3 है। तो ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक्चुअली ये पैराबोला की डेफिनेशन भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि पी एफ और पी एम, अगर आपको याद हो, ये आपस में इक्वल होते हैं। पी एफ और पी एम, इनकी रेशियो जो थी वो 1 के इक्वल थी। लेक्चर के शुरू में मैंने पैराबोला की डेफिनेशन बताई थी आपको। तो एक्चुअली अगले क्वेश्चन में हम जो यूज़ करेंगे ना, वो यही यूज़ करेंगे कि डायग्राम बनाने का मकसद भी है, रिमाइंडर दे रहा हूँ कि ये पी एफ का डिस्टेंस और पी एम दोनों इक्वल होंगे, या इनका स्क्वायर ले लेंगे तो तब भी ये इक्वल आएंगे। तो ये अक्सर मैं वर्ड यूज़ करूँगा, तो आपने ये डायग्राम जेन में रखनी है, डेफिनेशन जेन में रखनी है। ओके जी, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला और उसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई ले लिए हैं। अगर मैं पी एफ निकाल रहा हूँ तो ये पॉइंट एक्स वाई है, ये -3 and 0 है। टू पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी, टू पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, y2 - y1 x2 - x1 का होल स्क्वायर, याद है। तो अब ये क्या आ जाएगा, एक्चुअली ये आ जाएगा x प्लस या x2 - x1 y2 - y1, आगे पीछे आप शफल कर सकते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। पी एफ स्क्वायर ओपन करना चाहें तो कर लें जी, a प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a² + 2ab + b². इसी तरह y माइनस का क्या आ जाएगा, a - b² - -2ab + b². थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, होपली आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास एक स्टेप के बाद यही चीज आएगी। और ये स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है, और से दिस इज, थोड़ी सी तरतीब लगा लेते हैं, तो से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कोई मसला जी, जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। अब इधर जरा गौर करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने काफी क्वेश्चंस में यूज करना है, इसलिए डायग्राम भी सामने बनाइए। एक तो हमने पी एफ डिस्टेंस निकाल लिया है, अब डिस्टेंस निकालना पी और एफ, पी और एम का डिस्टेंस। अब पी एक पॉइंट है और एम जो है बात कर रहे हैं, ये पॉइंट है इस लाइन पे, तो एक पॉइंट का जब एक लाइन से डिस्टेंस, ये तो था ना, दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया है। और जब एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो याद है 4.3 सेकेंड ईयर हमने फार्मूला पढ़ा था, और वो क्या था जी, किसी को याद आ रहा है, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला? यस,
एक्स वन बी वाई वन प्लस सी 4.3, बड़ा थॉरली हमने ये किया था, ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं फिर ये रिपीट कह रहा हूँ, जब एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो हमने बेटा ये वाला फार्मूला लगाना होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अब ये ए बी सी कहाँ से हमने निकालना है, ये इक्वेशन दी हुई है, कौन सी, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 3, ये हमने इक्वेशन लेनी है क्योंकि इस पॉइंट है, इस लाइन से इक्वेशन चाहिए ना, तो एक्स इज इक्वल टू 3 ली है। अब मैंने 0y इसलिए लिखा है, हमें एक्चुअली कंपेयर करना है इसको जनरल के साथ, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लीनियर इक्वेशन है, तो चूंकि इसमें y था नहीं तो मैंने y इंटू 0 लिख लिया है। कलर लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी ये स्पेशलिटी है। तो a आपके पास क्या आ जाएगा 1, b इसमें क्या आ जाएगा 0, और c क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। अब समझ आइए ये मैंने 0 इंटू y क्यों लिखा, कंपेयर करते हुए, ताकि ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू आपका समझ आ जाए। तो ऑलमोस्ट जितने भी आगे क्वेश्चन है मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, सो इसको बड़ा थॉरली यहाँ से समझ लें। अब फॉर्मूला लगाएंगे जी, ए बी सी भी आ गया है और एक्स वन वाई वन, एक्स की जगह पे एक्स है, एक्स वन एक्स है और वाई वन वाई है, जनरल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 3 एक्स माइनस नेगेटिव 3 मॉडुलस, या नीचे क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर को अंडर रूट लेंगे 1 ही आ जाएगा। तो अब आप देखो हमने पी एफ भी निकाल लिया और पी एम भी, मैं बता रहा हूँ आगे काफी क्वेश्चन में हमने यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, पी एफ निकाल लो पी एम निकाल लो, दोनों को एक बार रख लो एंड दैट्स इट, बड़ा सिंपल सी एक्सरसाइज आगे होती जाएगी आपकी। तो पी एफ हमने निकाला है, एक्चुअली ये स्क्वायर निकला है, पी एम है इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, और डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं। तो चलते हैं जी अगली स्लाइड पे और इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके जी, ये डायग्राम द्वारा बनाने की जरूरत नहीं, पहली दफा भी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ओके करने के लिए। अब ये आगे डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की बात करें, वही बात कि पी एफ और पी एम इक्वल होएगा, या उसका होल स्क्वायर ले लेंगे तब भी ये इक्वल ही होंगे। पी एफ अभी हमने निकाला यूजिंग, मैंने इक्वेशन 1, 2 का नाम दे दिया था, तो पी एफ हमने ये निकाली थी इक्वेशन और पी एम ये निकाली थी, तो जस्ट दोनों इक्वेशन हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब बेटा राइट साइड पे फार्मूला स्क्वायर का ओपन कर लें, क्या होता था ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लें राइट साइड को लेफ्ट पे शफल कर लेंगे, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव 6x बिकम पॉजिटिव 6x एंड पॉजिटिव 9 बिकम नेगेटिव 9, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव 2y प्लस 6 और 6 12x और 10 में से 9 निकाल लेंगे प्लस 1। एक्चुअली ये है जी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने पैराबोला की निकालनी थी वो आपके सामने है, देखिएगा जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो सिंपल है जी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए और बेहतर से बेहतर इजी से इजी होती जाएंगी। ऑब्वियस बात है ये हैवी एक्सरसाइज है, नॉर्मली इसको टच बहुत कम किया जाता है, इवन इस चैप्टर को भी, तो 6.12 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। अब आपके पास ये 6.4 था स्मार्ट सिलेबस जो मैं कर रहा हूँ, उम्मीद है कि ये भी एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाएगी। चलें जी आगे, पिछले में उसी तरीके से हम लेके चलेंगे, तो आपके पास एक पी पॉइंट दे रहे हैं, ये पैराबोला से यानी कि डिस्टेंस निकालना है पी और एफ का। डायग्राम ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूँ जिसकी जरूरत नहीं है। पी एफ का डिस्टेंस जिसमें फार्मूला क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, या वाई टू माइनस वन आगे शफल भी कर सकते हैं। तो पी और एफ के दरमियान तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर, पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस निकाल ली है, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, मैंने आपको कहा क्या कहा कि दो ही चीज़ें हमने निकालनी है पी एफ और पी एम। पी एफ निकला है, पी एम का मतलब है इस पॉइंट इस लाइन से डिस्टेंस, उसके लिए फार्मूला एक पॉइंट से एक लाइन के डिस्टेंस का हमने पढ़ा हुआ है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकालनी है हमने, बिल्कुल ये जो डायरेक्टर्स की गई है ना, तो वो मैं लिख रहा हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ विद लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए आपके पास आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट इधर 1 है, बी आ जाएगा माइनस 2 और सी आ रहा है माइनस 3।
इट मीन्स ए भी आ गया, बी भी और सी। इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स वन वाई वन की जगह एक्स वाई हम रख रहे हैं, तो आपके पास ये बी सी की वैल्यू भी आ गई है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में चेक करें तो आपके पास नेगेटिव टू का स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन फाइव अंडर रूट आ गया है। ऊपर आपके पास एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री से दस और इक्वेशन नंबर टू। ये वन और टू को हम आगे यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में, दोनों का स्क्वायर इक्वल रखेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है जी, तो देखें कितने सिंपल ये क्वेश्चन है, जस्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो फिर बेटा आगे ये क्वेश्चन ईजी होते जाएंगे। चलें अब उसी डेफिनेशन पैराबोला को हम यूज कर रहे हैं। आपके पास डेफिनेशन में क्या है, पी एफ स्क्वायर पी एम स्क्वायर, इक्वेशन वन और टू आपने निकाली थी, वन आ गई और टू आ गई। रेफरेंस लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैंने मिस हो गया था जल्दी में, आप लिख लीजिएगा जिस तरह मैंने पहले पार्ट में करके दिया है। खैर यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल आ जाएगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, फार्मूला मैं प्रॉपर यूज करूंगा जी। और ये यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा थ्री है जी। तो क्या होता था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। राइट साइड पे न्यूमिनेटर पे लगा दिया है, ये अंडर रूट फाइव का जब स्क्वायर करेंगे तो ये फाइव है, ये मैंने बाहर लिख लिया है ताकि लंबी ब्रैकेट फ्रैक्शन आपको लिखने की जरूरत ना हो। अब लेफ्ट साइड पे भी फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी। इसको बेटा और सिंप्लीफाई कर लें, ये और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये फाइव डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन थ्री टू सिक्स वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई। और ये एज इट इज है, फाइव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, फाइव एक्स स्क्वायर नाइन फोर जार फोर्टी फाइव थर्टी आ जाएगा, फाइव वाई स्क्वायर फाइव इन टू वन फाइव फाइव टू जार टेन। और ये राइट साइड को शफल कर दें लेफ्ट साइड पे, तो ऑल साइंस जो हैं अगले स्टेप में हम ये राइट साइड को लेफ्ट पे लेके आ रहे हैं, तो ऑल इनके जो कॉफिशेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस। अब बेटा सिंप्लीफाई इसको कर लें, फाइव में से फाइव एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर निकालेंगे फोर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर फोर एक्स वाई प्लस थर्टी सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी टू वाई प्लस फोर्टी वन इज इक्वल टू जीरो। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और यही हमने क्या निकालनी थी, इक्वेशन निकालनी थी। देखो मिलता जुलता था पहले पार्ट की तरह, जो भी हमने किया है पी एफ और पी एम का डिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट। सिंप्लीफाई करते हैं, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पार्ट उसने स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किया है। ओके जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसने जो पार्ट इंक्लूड किया है जी वो आपके सामने आ रहा है और ये है एग्जांपल है, तो कहा था कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, और चूंकि मिलती जुलती थी इसलिए मैंने इसके साथ ही एडजस्ट कर ली है। उसी तरह इक्वेशन ऑफ पैराबोला करना है, सेम चीज़ फोकस और डायरेक्टनेस दिया हुआ है और आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ी ईजी होगा। सबसे पहले उसी तरह आप ये पॉइंट ले रहे हैं जो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, और हमने क्या कहा पी एम पहले उसने निकाल लिया, वैसे हम पी एफ निकालते थे, चले जी उसने पी एम निकाला हुआ है। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस फार्मूला आपने क्या बढ़ा हुआ है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस लाइन से जो गिवन इक्वेशन दी हुई है थ्री एक्स फोर वाई इंटू फाइव, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट मिड में रखिएगा ना हो पॉइंट ना लिखते जाइएगा या कोई साइन ना डालिएगा अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओके जी, और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई थ्री, बी माइनस फोर है और सी आपके पास क्या आ रहा है फाइव आ रहा है। अब बेटा ए बी सी आ चुका है, अब आप क्या करें फार्मूले में रख लेंगे, ए इंटू एक्स बी इंटू वाई एंड सी नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए इसमें थ्री था और बी इसमें माइनस फोर है। और सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव, नीचे आ रहा है थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्सटीन, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव। सो आपके पास ये ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट ले लें, ना भी लें आगे स्क्वायर ही करना है। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, कोई मुश्किल बात।
अब पीएफ एम निकल आया, अब जरा पीएफ भी निकाल लेते हैं। मीन इस पॉइंट का, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, और फार्मूला आपके पास वही है जी, टू पॉइंट का डिस्टेंस वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर वाई माइनस फोर का स्क्वायर से, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। ओके जी, तो आप देखें वही कॉन्सेप्ट, पी एफ और पी एम निकल आया है। बाई डेफिनेशन दोनों को इक्वल रखेंगे, स्क्वायर कर लें ताकि अंडर रूट वाला खत्म हो जाए, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो लेट्स डू इट। ओके जी, तो देखें जी आपके पास ये बाय डेफिनेशन हम कर रहे हैं पी एफ स्क्वायर पी एम स्क्वायर, इक्वेशन वन और टू को यूज करेंगे। रेफरेंस में लिख जरूर दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू यहाँ पे आगे। अब ये स्क्वायर एंड टू से कैंसिल हो जाएगा, ये तो एज इट इज है। और फिर फार्मूला लग रहा है किस चीज़ का, ए प्लस बी प्लस सी का, जिसमें हमें पिछले पार्ट में लगाया था। ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, मैं एक मिनट दोबारा कह रहा हूँ जी ताकि बोलता जाऊँगा साथ साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी एंड प्लस टू सी ए। और सिंप्लीफाई कर लें, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है और ये माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये सिंप्लीफाई कर लें, थ्री एक्स का होल स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर सिक्सटीन वाई स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एंड देन ट्वेंटी फोर एक्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी एंड थर्टी। ये 25 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको भी सिम्प्लीफाई कर लें, थ्री का स्क्वायर नाइन आ रहा है, थ्री टू आर सिक्स, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एंड फोर टू आर एट। अब बेटा ये 25 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये 25 एक्स स्क्वायर 25 आर नाइन, ये 225, 25 इंटू सिक्स ये आ जाएगा, 25 इंटू वाई स्क्वायर 25 स्क्वायर 25 इंटू सिक्सटीन 400, 25 इंटू एट 200। और ये राइट साइड वाली जितनी भी चीज़ें अभी मैंने एज इट इज लिखी हैं, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको शफल कर लें, राइट से लेफ्ट साइड पे ले आए, स्विच करेंगे तो ऑल साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस नाइन माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ऑल साइन चेंज हो गए हैं। और सिम्प्लीफाई कर लें तो ये सिक्सटीन एक्स स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स वाई प्लस वन ट्वेंटी एक्स माइनस वन सिक्सटी वाई प्लस सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो। ये है जी आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कोई मसला जी? ठीक है जी, तो ये एग्जांपल भी चूंकि मिलती जुलती थी तो मैंने क्वेश्चन नंबर टू से रिलेटेड है उसी के पार्ट में मैंने इसको फिट कर दिया है, होपफुली आपके लिए ये आसान होगी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टू का कौन सा पार्ट है, स्मार्ट सिलेबस में एट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सेम आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला करनी है, दिस टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले फोकस और डायरेक्ट दे रहा था, अब डायरेक्टस दे रहा है और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड दे रही है। आपको याद है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम मैंने थ्योरी में बताया भी था आपको जब सिक्स चैप्टर की करवाई थी, क्या होती थी, ये 4a होती थी। अभी आपको ना किसी को मिले तो 274 पे पे देख लीजिएगा, ये जबानी भी याद कर लीजिएगा, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव भी इसका आ जाता है। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल आ रहा है, ये 4a के इक्वल आ रहा है, और ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उसने 8 दी हुई है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8, इसका मतलब इक्वल का साइन है, मीन a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 2 के इक्वल आ जाएगी। तो ये देखें a ज्यादा इजी नहीं हो गया। अब ये कह रहा है कि ये ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड में अगर आप अगेन 276 पे ही देखें तो आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए वाई जनरल, यानी कि ये फोर्थ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ये ओपन डाउनवर्ड है। तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे बट जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए वाई माइनस फोर के, बिकॉज डायरेक्टर्स की इक्वेशन उसने वाई इज इक्वल टू वन है, वो नीचे की तरफ है, इसमें वट है जीरो, जीरो नहीं है। अच्छा जी, तो ए की वैल्यू रख दी हमने, ए इज इक्वल टू टू आ गया है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ तक ही मसला। अब चलते हैं जी आगे, पुट यहाँ पे उसी तरह कैपिटल एक्स कह दिया हमने ये लेफ्ट साइड को, और वाई क्या आ गया, वाई माइनस के, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर वन में कर रहे थे। सो ये इक्वेशन एक्चुअली क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई, और इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, कैपिटल सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई यहाँ तक ओके है, डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स की इक्वेशन फोर्थ कॉलम में आप चेक करें तो वो वाई इज इक्वल टू ए है,
क्योंकि वाई की जगह पे हमारे पास कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। कैपिटल वाई हमने किसके इक्वल सपोज किया है, वाई माइनस के, और ए की वैल्यू क्या आ रही है, ये टू। तो आप देखें कैपिटल वाई हमने वाई माइनस के लिख लिया है और ए की वैल्यू जो है वो टू आ गई है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, अब जरा गौर करें कि y इज इक्वल टू वन। अब देखो ये वाली डायरेक्ट इक्वेशन हमने यूज की है, तो y की वैल्यू यहाँ पे वन है, मीन y को जब वन रखेंगे तो k का आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस वन है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ली थी, अदरवाइज हम ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते थे। k की वैल्यू अब आ गई है जी, इसको आपने पुट करना है किसमें, आपने इक्वेशन वन में रखना है। सो पुट k इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, सो वी हैव x माइनस ए स्क्वायर y माइनस इंटू माइनस वन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, बस जी आगे इक्वेशन रिक्वायर्ड पैराबोला, बस बात इतनी थी, तो मुश्किल बात थी क्योंकि एच हमारे पास जनरल फॉर्म में ही था तो एच ही रहा, और के की जगह माइनस वन था तो ये प्लस वन हो गया। यही बेटा हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी थी। क्वेश्चन ईजी है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, एच ऑर्बिटरी पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके पास लिख दिया। बात कर रहा था क्वेश्चन अब कोई भी है, जस्ट फोकस करते जाएं, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा रिटर्न फॉर्म में, इंशाल्लाह ये इजी होती जाएंगी आपके। इसमें से अक्सर स्मार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पास्ट ईयर में, तो ये वाली एक्सरसाइज जरूर तैयार कीजिएगा। 6.1, 2, और 4 कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग की। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरी वो वीडियो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव इसके आप जरूर तैयार कीजिएगा ताकि 100 मार्क्स का पेपर हो जाए, बट 6.1, 2, और 4 जरूर तैयार करनी है आप। ठीक है जी, 1, 2 से भी गुजारा हो रहा है, लेकिन 4 अगर कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव और बाकी चीजें भी कवर कर जाते हैं। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं जी, ये था इसका 8th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, उसने स्मार्ट सिलेबस में कौन सा पार्ट इंक्लूड किया है। सेकंड के काफी सारे पार्ट हैं जो स्किप भी किए हैं और काफी सारे ऐड भी करनी है इसने। 2 के 9th पार्ट है, यू हैव टू राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट देनी है, एक्सिस दिया हुआ है और 2 पॉइंट दिए हैं, आपने कही है ना पैराबोला निकालना है। चलें जी, अब थोड़ी सी जरा और डिफरेंट फॉर्म आ गई है, बट कोई मुश्किल बात नहीं, इंशाल्लाह हम इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी। तो सोल्यूशन में अगर हम देख रहे हैं, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला बी, आपके पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं, वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a(n)(2), क्योंकि एक्स एक्सिस दी हुई है, वाई इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू का 0 मतलब है एक्सिस जो है आपके पास एक्स एक्सिस है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है y माइनस के 4a(x-8)2। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 0 मीन एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वर्टेक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स का मतलब है कि जो y कोऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मीन k की वैल्यू जो आ जाएगी 0 आ जाएगी। वर्टेक्स वैसे होता है 0 0, हमने स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में 0 0 होता है, तो एच के हमने लिख लिया जनरल फॉर्म में, तो के की वैल्यू 0 आएगी बिकॉज ये एक्सिस वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस पे है, तो के की वैल्यू हमने 0 लिख ली है, इट मींस के आ गया 0। ये के की वैल्यू आप किसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई जी, वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4a(x-8), से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा जी यहाँ तक कंफ्यूजन, ओके। तो अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया एक्सिस वाला, अब 2 पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट इस पैराबोला पे लाए कर रहे हैं, और अगर ये दोनों पॉइंट इस पैराबोला पे लाए कर रहे हैं तो ये इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये जो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन 2 पे आएंगे एज पॉइंट्स लाए ऑन पैराबोला, सो इट्स मस्ट सेटिस्फाइड इट्स इक्वेशन, सो दे मस्ट सेटिस्फाइड इट्स इक्वेशन। आप पहले एक पॉइंट पुट करें, कौन सा, 2 1, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, मीन एक्स की जगह हम 2 रख देंगे और वाई की जगह इसमें क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो देखें जी, एक्स की जगह मैं 2 रख रहा हूँ और वाई की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 8a-4ah आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, और अब ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, अभी इक्वेशन आ गई है। अब दूसरा पॉइंट ले लें, और दूसरा पॉइंट क्या है, 11n-2, बिकॉज ये वाला पॉइंट भी इस पैराबोला पे लाए कर रहा है, तो ये भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन अब आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 11 रखेंगे और वाई की जगह पे -2 रखेंगे, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखते हैं जी, वाई की जगह -2 आ गया है और एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो ये आ जाएगा फोर, फोर ए को अंडर मल्टीप्लाई कर लें, सर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये फोर फोर से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 11a - a h। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर। यहाँ तक देखें, दो पॉइंट से बेटा दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, सो हमने क्या किया है, उनसे दो इक्वेशन निकालनी है। एक्चुअली अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व हम करने जा रहे हैं। पहले देखें जी यहाँ तक ओके है कॉन्सेप्ट, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके जी, आगे अगर हम देख रहे हैं जी, आपके पास क्या आ रहा है ये, हाँ दोनों को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/4 एंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3। ये मैं रिमाइंडर के लिए इधर दोबारा लिखी है 3 और 4 ताकि याद रहे, पेपर में ऑब्वियस बात आपने नहीं लिखनी है। अच्छा जी, वो कह रहा है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 3 से सबट्रैक्ट कर दो, मीन 3 को मैंने ऊपर लिखा है, इक्वेशन 4 को क्या करने जा रहा हूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा ये 4, 11 4 आर 44 और 4 नेगेटिव 4 एज। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस और नेगेटिव प्लस में हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो 4 एज कट गया है, इधर रह जाएगा जी आपके पास -3 और 44 में से 8 निकाल लेंगे -36, नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये 36 उधर जाके डिवाइड कर लेंगे तो 1/12, 3/36 क्या होता है 1/12, तो बेटा ए की वैल्यू आ गई है। इस ए की वैल्यू को आपने पुट करना है, किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, मैं 3 में रख रहा हूँ, 3 और 4 की बात कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आप रख सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 3 में रख रहा हूँ, तो ए की वैल्यू जब इक्वेशन 3 में रखेंगे तो 1/12 आ रहा है, 4 × 1/12 × h है, तो ये आ जाएगा 2/3 - 1/3, ऑल एलसीएम ले लेंगे तो 2 - h आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लें तो h इज इक्वल टू 2 - 3 या h इज इक्वल टू -1 आ गया, a भी आ गया है, h भी आ गया है। अब जस्ट ये दोनों वैल्यूज आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, और इक्वेशन 2 रिमाइंडर के लिए मैंने ये नीचे लिखी, ये जितनी भी राइट साइड पे लिख रहा हूँ ये सर रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ, बार बार आपने नहीं लिखनी है। तो अब आप क्या करें, ए की जगह 1/12 रख लेंगे और एच की जगह -1, तो ये आ जाएगा 4/12 आ जाएगा 1/3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y² + 1 विच इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो आपने निकालनी थी। देख लें जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी चले आगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 10 लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं, और ये भी उससे मिलता जुलता है जो भी हमने पिछला पार्ट किया था। अगेन यू हैव टू राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स, एक्सेस है जी पैरेलल टू वाई एक्सेस दिया हुआ है, और 3 पॉइंट्स हैं जो इस पैराबोला पे लाए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन चूज करनी है जी कौन सी है, तो एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा तो ये थर्ड कॉलम आ जाएगा, 276 की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो इक्वेशन हम एज एक्सेस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a × y - h। थर्ड कॉलम को बेटा हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें एक्सेस ऑफ पैराबोला ये आपको 6 चैप्टर की थ्योरी में बताया हुआ है कि x का एक्सेस क्या है, और ये y एक्सेस के चूंकि पैरेलल है तो इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख दी है। अब ये तीनों पॉइंट्स इस पैराबोला पे लाए गए हैं तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे बिल्कुल। अब पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, एट पॉइंट 0, 3 हम पुट कर रहे हैं जी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, मीन x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे और y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 12a - 4a के, 4a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। सिमिलरली अब दूसरा पॉइंट चूज करते हैं, और वो कौन सा है, दूसरा पॉइंट पिक किया है हमने 3 और 4, मीन अब क्या करेंगे x की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे और y की जगह पे हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे इन इक्वेशन 1, सो x की जगह पे आप 3 रख लें, y की जगह पे आप 4 रख लें और सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a² - 2ab + b² ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर - 2ab आ जाएगा -6h एंड + b² आ जाएगा 8 का स्क्वायर।
फोर ए के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 16a-4ak, एंड लास्टली आपके पास जो आ रहा है 4 and 11 आ रहा है, आपने पुट करना है जी x is equal to 4 and y is equal to 11 in equation 1, ठीक है। ये दोबारा लिखा गया है, मैं पहले इसको एक दफा क्रैक कर दूं, ये स्मॉल ब्रैकेट 9 लिखें, अब डायरेक्ट जब पुट लिख लिया तो एक ही बात, इक्वेशन का रिपीट हो रहा था। अच्छा जी, तो x की वैल्यू 4 रख रहे हैं और y की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं 11 रख रहे हैं, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब आप देखें तो तीनों पॉइंट्स से, इन तीनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने क्या किया है सर, तीन इक्वेशन निकाल ली है। तो जरा देखिएगा, ये पहले पॉइंट से इक्वेशन आ गई दूसरे से, और x is equal to 4, y is equal to 11 रखेंगे इसमें, तो ये 4 माइनस h का स्क्वायर और y की जगह 11 आ रहा है, होल स्क्वायर ओपन करेंगे लेफ्ट साइड पे, फिर वही नेगेटिव वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4a को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो 44a and 4ak। तो बेटा तीन इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, इक्वेशन 2, 3 and 4, इनको अब आपस में आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक्चुअली हमें तीनों अननोन फाइंड करने हैं, ए एच और के, ताकि हम ये जनरल फॉर्म में इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन जी, लेके चलते हैं जरा इसको और देखते हैं किस किस इक्वेशन को किसके साथ खेलना है। ओके, तो मैं इक्वेशन जरा दोबारा लिख रहा हूँ रिमाइंडर के लिए, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अगली स्लाइड पे आ गए थे। अब इनमें देखें जी क्या कर सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कह रहा हूँ इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से, 4 को आप ऊपर लिखें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, ओके, इक्वेशन 3 को आप नीचे लिखें और सब्ट्रैक्ट करें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, अब माइनस प्लस में, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखें आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कौन सी चीज आ रही है, ये कट रहा है जी बिल्कुल 4a के कट रहा है, और कुछ कट रहा है, यस ये a स्क्वायर कट रहा है, ओके। तो 16 में से 9 25 आ जाएगा, और सॉरी 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 7 आ रहा है, 8 में से 6 निकालेंगे 2 आ रहा है, 45 में से 16 निकालेंगे 28 आ रहा है, एंड से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन का नाम लिखते जाइएगा बिकॉज आगे हमने यूज करनी है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इन दोनों का दोबारा पेयर ले लिया, अब 2 और 3 का पहले 3 और 4 का लिया था, तो 3 को हमने ऊपर लिखा है तो थियर इक्वेशन नंबर 3, 2 को नीचे लिखें और सब्ट्रैक्ट करें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें जी कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, एक तो अगेन ये करीब 4a के कट गया है और a स्क्वायर, ये लाइन थोड़ी सी सीधी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, जब कंपोज करते हुए आगे पीछे हो जाता है तो ये थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए। अच्छा खैर, ये आ रहा है 9 minus 6 8 16 में से 12 निकालेंगे, 4 equation 6 आ गई है, फिर हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस equation 5 को 3 के साथ, 5 किधर है जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये अभी आपके सामने आ जाएगा, तो जब हमने किया है 3 के साथ तो ये 84 आ रहा है और इक्वेशन हमारे पास बन गई। एक्चुअली इस इक्वेशन को हम यूज करने जा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 6 फ्रॉम 7, 7 से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली हम क्या करने जा रहे थे, एज को इक्वल करना चाह रहे थे, तो 7 को मैंने ऊपर लिखा है, 6 को मैंने नीचे लिखा है, ये एक 6 एज करना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 6 एज था और इधर 2 एज था, तो इसलिए इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 21 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास 12 आ रहा है, 84 में से 4 निकालेंगे 80 आ रहा है, डिवाइड कर लें 12 by 80, आपके पास आ जाएगा 3 by 20। तो फर्स्ट हमारा अननोन आ चुका है, मीन ए की वैल्यू आ चुकी है, अब हमारे लिए जरा इजी हो गया है, ए की वैल्यू किस में पुट कर देंगे जी, इन इक्वेशन 6, किसी भी इक्वेशन में इनमें से पुट कर सकते हैं, जो आप देखें ज़्यादा इजी आपको नज़र आ रही है उसमें पुट कर दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। सो पुट ए इज इक्वल टू 3/20 इन इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 में ए की वैल्यू 3/20 रख दें, ये आ जाएगा 4/20 से करेंगे 5 आ जाएगा। देखें जी पहले यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसके जाए, ओके जी, बस हर जगह आप देखें तो मोस्टली हमने तीनों जगह सब्जेक्ट ही की है। ये क्वेश्चन अभी देखने में आपको टफ लग रहा होगा, जब एक से दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, सर ये तीन ही क्वेश्चन है, इनको आपस में वो किस तरह लेके चल रहा है, कोई हैवी किस्म का काम इसमें नहीं कर रहा कि वो याद ना रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है। चलें जी आगे,
ओके जी, तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। आपके पास ये आ रहा है 6 8 10, एलसीएम ले लें ली तो ये 42/5 आ जाएगा। 9 4 45 में से 3 निकालेंगे, 42 एक स्टेप बनने देना डायरेक्ट ही है, और सिंपलीफाई कर लें 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ रहा है। चूंकि क्वेश्चन लेंथ ही जा रहा है तो इसलिए एक दो स्टेप में स्किप किए हैं, एज भी आ गया है। इस ए की वैल्यू अब आप पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 याद है, ये मैंने लिख भी दी है। तो जब एज की वैल्यू अब रखेंगे 7/5 का स्क्वायर, ए आपके पास आ रहा है 3/20 है, तो एज और ए की वैल्यू रख लें। ये जरा मैं लिख लेता हूँ जी, पुट द वैल्यूज ऑफ एज एंड के, ताकि ये पूरा वर्डिंग हो जाए, एज एंड के। अच्छा, एज और सॉरी एज और ए की वैल्यू हमने रखी है। एच आपके पास 7/5 था, ए आपने निकाला था 3/20, के तो एक्चुअली हमने निकालना है, तो ये इन में एक स्पेस डाल देते हैं जी, एच एंड ए इन इक्वेशन, ठीक है जी, ओके जी, स्पेस भी हो गया। चलिए वापस चलते हैं, एक्सपेंड कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा। तो बेटा एच और के की वैल्यू हमने पुट की है, लास्ट हमारे पास अननोन के चाहिए था, जो उम्मीद है कि हम निकाल लेंगे, तो जस्ट देखते हैं जी इसको, ये लेंगे। अच्छा जी, तो ये आ रहा है 3/20, 4/5 20, और सिम्प्लीफाई कर लें, के नेगेटिव 3/5 नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, 49/25 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 25 आ रहा है, और 5 5 25, 5 9 45 में से 49 निकाल लेंगे तो -4 आ रहा है, और ये 3/5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन 5 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, मीन रेसिप्रोकल ले लेंगे, 5 5 25 आ रहा है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -4/15 आ रहा है। तो ए एच और के आ गया है, इन तमाम वैल्यूज को आप पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 याद है, नहीं याद है तो पीछे देख लेना, ये थी जो ये जनरल फॉर्म लिखी थी। अब आप वैल्यू रख लें, ए 7/5 आ गया, ए 3/20, और एज आ गया -4/15। अच्छा, और सिंपलीफाई, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, ये 4 5 20 है, और ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, बुक वाले ने ये आंसर भी दिया हुआ है, और स्क्वायर करके अगर सिंप्लीफाई कर लें, जैसा हमने पिछले दो पार्ट किए थे लेफ्ट साइड में स्क्वायर करके, तो तब भी सिंप्लीफाई करके आंसर वो भी है, दोनों एक्सेप्टेबल है। मैंने इसको यहीं पर ब्रेक लगा दी, देखें जी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने निकालनी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने आ चुकी है। यहाँ तक देखें क्योंकि कंफ्यूजन बेहतर है कि आप इसको आगे सॉल्व कर लें, किसी की बात सुनने का मौका ही ना दे। अब मैं नहीं करूँगा, आप इसको डू इट योरसेल्फ, उम्मीद है कि आप ये कर लें। चलें जी आगे, ओके जी, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो शायद आपको थोड़ी सी ये हैवी नज़र आए। आपके पास फोकस किया हुआ है, आपके पास डायरेक्टर्स है, और आपने एक ये ना पैराबोला प्रूव करनी है। देखने में ये काफ़ी हैवी है, बट आपको एक छोटी सी अच्छी न्यूज़ ये है कि जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और उससे आगे कंसेक्यूटिव एग्जाम्पल की थी, वो यही काम था जो अभी हम करने जा रहे हैं, यानी कि ये नया कोई काम नहीं है। वहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो यही काम किया था, और वहाँ पे भी हमने क्या किया था, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला यूज़ की थी। इस क्वेश्चन में एक ये अच्छी बात है कि आंसर भी दिया हुआ है, जो प्रूव करना है ये ब्लू वन इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्रूव करनी है, और वहाँ पे भी अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, एक तो ऑब्वियस बात ये फोकस हो गया जी, एक पॉइंट पी लेते थे और उसके कोऑर्डिनेट जनरली हम सपोज करते थे एक्स वाई पी द पॉइंट ऑन पैराबोला, तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला लगाते थे। और याद है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला उसमें क्या थी, कि पी एफ और पी एम का हम डिस्टेंस जो है इक्वल रखते थे, याद है। तो ये यहाँ पे भी वही है, पी एम क्या था, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, और पहले हम चले वही निकाल लेते हैं, फार्मूला हमने पढ़ा था ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैपिटल ए बी सी मैंने लिखा है, आप स्मॉल ए वन बी वन सी वन भी लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा है, ये आपके पास इक्वेशन है डायरेक्टर्स की, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस ए,
इसको जब कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax प्लस by प्लस c से, तो आप देखें कि ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस अल्फा कैपिटल बी साइन अल्फा और सी ए के। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल ए बी सी लिखता तो ये ए स्मॉल ए के इक्वल आ जाना था और वो ए किसके इक्वल था, कॉस अल्फा, तो ए और सी जो है ये आपस में इक्वल आ जाने थे, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हमने ये इसका नाम चेंज कर दिया है, ए वन बी वन सी वन भी रख सकते हैं, ये कैपिटल ए बी सी, जिस तरह आपको याद हो हम चैप्टर 4 में भी ये यूज़ कर चुके हैं, 4.1 की बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। चले जी, तो फार्मूला वही है, आज एक पॉइंट एक लाइन से डिस्टेंस है, तो ए बी सी की वैल्यू एक्स वन की जगह एक्स आ जाएगा, बी वन की जगह वाई आ जाएगा। सो आप वैल्यू रिप्लेस कर दें तो कॉस अल्फा एक्स साइन अल्फा वाई प्लस ए, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है जी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, यस ये वन के इक्वल होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई प्लस ए ओवर वन, वन का अंडर रूट आपके पास वन ही आ जाएगा। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, कोई मुश्किल बात, ओके जी। अब हम डेफिनेशन ऑफ पैराबोला डायरेक्ट भी लगा लेते हैं, पॉइंट और इस फोकस का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में। अब अलहदा से भी निकाल के जिस तरह पहले करते हैं, क्वेयर वन टू करके भी कर सकते हैं और इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो तो जरा देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चल रहा है, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो पी एफ पी एम के इक्वल है या दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, यानी कि पी एफ स्क्वायर क्या होगा, पी एम स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पी एंड एफ याद है, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। तो P और F के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, x माइनस a cos ऑफ अल्फा y माइनस a sin ऑफ अल्फा। इस तरफ हमने PM अभी निकाला था, उसकी वैल्यू रख दिया। अब यूनियन का नाम लिखना चाहें आपको प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और 3 में प्रेजेंटेशन बता चुका हूँ, आपकी मर्जी है जिस तरह मर्जी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इधर a प्लस a माइनस b का स्क्वायर, ये a माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इधर अब 3 का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का याद है, और वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। पहले भी हम दो पार्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, तो लेफ्ट साइड पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी एंड प्लस टू सी ए। देखिएगा जी, कोई मसला, ओके जी। अब इसमें कुछ मैं कलर लैंग्वेज यूज करने जा रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी उम्मीद है। जिस तरह ये ब्लू वन है, इसमें से होते ए स्क्वायर कॉमन निकालने, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जरा इकट्ठा लिखा है, ब्लू वन एक जगह कर लिया। अब मैं कुछ और कलर भी यूज करूंगा बिकॉज इक्वेशन लेंथी है, तो कलर लैंग्वेज से ये होगा कि हमें एक दूसरे के साथ जब करेंगे पैच करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। जिस तरह मैंने ये 2ax cos alpha को ऑरेंज कलर का दिया है, राइट साइड पे भी हमारे पास ये है, 2ay sin alpha को मैंने ग्रीन कलर दिया और राइट साइड भी ये है हमारे पास। ये ब्लू वन ए स्क्वायर है, अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा, एक ये स्क्वायर है और एक ये राइट साइड पे भी ए स्क्वायर है। अच्छा पर्पल कलर है, ये भी हम इसको कहीं ना कहीं पे यूज करते हैं, पहले आप यहाँ तक देख लें कोई कंफ्यूजन। अब बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और हाँ बिल्कुल, अब आप देखें ये मैरून कलर मैं लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ, ये नेगेटिव हो गया है। वाई स्क्वायर ये पर्पल है, अगर ये पर्पल नहीं नजर आ रहा तो मैं कह देता हूँ, एक्चुअली ये ब्लैक ही रह गया है। तो ये इस पर्पल को इस पर्पल के साथ, चले मैं कलर चेंज कर देता हूँ बेटा, आसानी होगी क्योंकि प्रॉपर कलर लैंग्वेज मैं इसमें लगा रहा हूँ, ताकि बेटा आप जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएं तो आपको पता चलेगा यार कौन सी चीज किसके साथ हम पेयरिंग कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास अगर गौर करें तो ये पर्पल कलर में वाई स्क्वायर था, तो राइट साइड पे भी आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है वेट कीजिएगा वो सेव कर रहा है। तो अब मेरा ख्याल आपके लिए समझने में आसानी होगी कि एक तो हमने ये मैरून कलर वाला एक साइड पे कर दिए और ये जो है पर्पल कलर वाला ये भी एक साइड पे ले गए। चलें ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आपको समझने में आसानी होगी। इस क्वेश्चन में काफ़ी कलर मैंने यूज़ किए हैं ताकि बेटा वही बात है कि जहाँ पे जिसके साथ मैं पेयर बना रहा हूँ आपको बेटा उसकी समझ आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये अब देखें जी, ये पर्पल है और इधर से मैरून कलर राइट से भी लेफ्ट पे लेना है और पर्पल वाला भी, तो ये देखें जी एक्स स्क्वायर, ये दोनों मैरून एक जगह कर दिए, पर्पल एक जगह कर दिए, ब्लू एक जगह कर दिए। अच्छा ये जो ऑरेंज वाला है
नेगेटिव टू एक्स, इसको लेफ्ट से राइट पे ले जाओ और इसको भी लेफ्ट से राइट पे ले जाओ, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अब आपको कलर लैंग्वेज से और इजी होता होगा कि यार ये 2 + 2 = 4 हो जाएगा, ये भी 4 है और इसको मैंने ब्लैक ही रखा है। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, यस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, फिर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। देखिए अब इक्वेशन कितना इजी हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि 1 - cos² alpha किसके इक्वल होता है, याद है जी, sin² θ + cos² θ 1, तो 1 - cos² किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर का, यह सही है ना। तो मैंने कलर लैंग्वेज यूज की, यह साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 - cos² या cos स्क्वायर के आ गया, 1 - sin² तो ये दोनों कलर मैंने यूज किए हैं। इस 1 - cos² की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर और इस 1 - sin² की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर। राइट साइड पे मैंने फार्मूले भी अप्लाई कर दिए सिंस करके लिख रही है, और राइट साइड पे बेटा क्या आ रहे हैं, ऑल द वे इसमें उसने क्या किया, 4a जो है उसने कॉमन निकाल लिया। अच्छा ये +2xy cos α sin α प्लस से आप इधर ले आए, और अब अगर गौर करें तो लेफ्ट साइड पे एक फार्मूला बन रहा है, जरा फोकस करें, कौन सा फार्मूला, a² + b² - 2ab बन गया कि नहीं। चले मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा x sin α y - y cos α, इसका स्क्वायर ओपन करें, a² + b² - 2ab, तो लेफ्ट साइड पे तो हमने होल स्क्वायर कर दिया है और राइट साइड एज इट इज लिखी है। एक्चुअली यही चीज हमने प्रूव करनी थी जो उसने कहा था, शो दैट पैराबोलिक इक्वेशन, ये है जी आपके पास क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी है, बट मैंने कोशिश की है, उम्मीद है कि विद द हेल्प ऑफ कलर ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने हेल्प मिल जाएगी कलर लैंग्वेज की बात करने। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। ओके जी चलें आगे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपका देखते हैं कौन सा उसने आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन इंक्लूड किया। चलें जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी, ऑर्डिनेट याद है वाई कोऑर्डिनेट जो होता था, ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर एंड अब्सिसा ऑफ पी। देखें जब हम पी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स को हम अब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वो ये कहता है ये प्रूव करो कि ये मीन प्रोपोर्शनल है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये छोटी क्लासेस हमने पढ़ा भी था, मैं आपको सिर्फ एक रफली डेफिनेशन सामने कर देता हूँ। मीन प्रोपोर्शनल इज अ नंबर दैट कम्स बिटवीन टू नंबर्स एंड विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ए ओवर एक्स ओवर एक्स ओवर बी, कि आपके पास इस तरह ये 3 है, 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक नंबर होता है दो नंबर के बिटवीन, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओवर एक्स एक्स ओवर बी। ठीक है जी, ये था, याद आ रहा मीन प्रोपोर्शनल, ये एक्स्ट्रा मैं सिर्फ डेफिनेशन याद आने के लिए की है जो हम चाइल्डहुड करते रहे हैं, तो यही डेफिनेशन हमने इधर प्रूव भी करनी है। तो वो कह रहा है कि शो करना है ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, तो मीन प्रोपोर्शन याद हो गया जी, आ गया। चले अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो देखते हैं जी, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। देखिए मैंने कहा क्या कहा, ये जो एक्स है ये अब्सिसा होता है, वाई जो होता है ये ऑर्डिनेट है, ये हम 4th चैप्टर में बड़ा तफसीली कर चुके हैं। अच्छा हमने इस पैराबोला पे ये पी पॉइंट ले लिया, देन आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या रही, जनरल फॉर्म की बात करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके अब यहाँ पे वाई की एक्स उधर जाके डिवाइड कर दें और वाई इधर आके डिवाइड कर दें, कैन वी राइट इट साइड, या दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं जी, पहले x से डिवाइड कर दें फिर y से, तो ये y ओवर x आ जाएगा 4a और y, ये सिंपल काम है जी, x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक y यहाँ से उठाएं ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्चुअली आप गौर करें तो ये वाली ये डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, y ओवर x और दिस 4a ओवर y इज दिस, कोई मसला जी। ओके जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, और करके मैं लिख रहा हूँ, y इक्वल टू ±4ax। अब 4a क्या चीज है, याद है आई थिंक सो 274 पेज पे थी ये, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम याद आ रहा है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आपके पास आ जाएगी 4a, और x जो होता है ये अब्सिसा होता है, यही बात है, ये x जो इस पॉइंट का अब्सिसा है, तो यही नहीं हमने प्रूव करना था कि उसने ये कहा था कि शो दैट ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट p, p का ऑफ पॉइंट p, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज इक्वल टू इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एंड अब्सिसा ऑफ p, तो ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी आ गया और अब्सिसा भी आ गया, दैट्स इट, यही अपने बेटा प्रूव करना था, विच शोज दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट, यही स्टेटमेंट दोबारा आप लिख लें, विच शोज दैट करके सारा कुछ वही है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था जी, ईजी था, मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन लगाई है,
इन बिटवीन हमने लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी यूज किया है, पेज 274 पे आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बताया था कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन पैराबोला की बात कर रहे हैं, ये 4A होता है। तो ओके है जी, तो ये जो ग्रीन पे पीस है ये सिर्फ समझाने के लिए, ये चीजें में रखिएगा, ये पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट। अच्छा मैं अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कॉमेट क्या होता है, नाम सुना हुआ है, पैराबोलिक ऑर्बिट बना रहा है, अर्थ और फोकस है, ये बात की बातें। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल थी। मुझे इसमें काफी टाइम भी लगा था, तो ऑब्वियस बात है जब मैं फर्स्ट टाइम इसको कर रहा होता हूँ तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि यह डेफिनेशन क्या है, क्या चीज वो वर्ड यूज कर रहा है, जिसका कॉमेट की बात है। तो कॉमेट क्या होता है, इस तरह की चीज है, ये देखें, और इसको जरा ये इस पेज पे सिर्फ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बता, जिस तरह बैकग्राउंड पे जाता हूँ तो काम कर रहा हूँ। कॉमेट आर कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैस। ये स्नोबॉल्स हैं फ्रोजन गैस की, रॉक हो सकती हैं, एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन व्हेन फ्रोजन दे आर साइज ऑफ अ स्मॉल टाउन। यानी कि बास टाइम ये स्मॉल टाउन की साइज का भी हो सकता है। व्हेन अ कॉमेट्स ऑर्बिट ब्रिंग्स इट क्लोज टू द सन, it heats up and spews the dust and gases into a glowing head larger than the most planets. So, कुछ याद आ रहा है इस तरह की चीजें, अक्सर आपने मूवीज में भी देखी होंगी, ठीक है, इंग्लिश मूवीज की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे भी आपके पास बेटा ये इस तरह का आपको कॉमेट्स नजर आ रहे आए होंगे। तो ये एक तो हमने ये रिमाइंडर किया कि ये है क्या चीज। अब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि वो कह रहा है कि ये पैराबोलिक ऑर्बिट में कर रहा है और अर्थ उस पर जो है ये फोकस पे है। एक क्वेश्चन जो है ये अर्थ से रिलेटेड है, एक एग्जांपल है जो सन से रिलेटेड है, तो मैं दोनों को कंसेक्टिव करूंगा ताकि आपको बेटा समझ आ जाए। डेफिनेशन को समझ आ गई है जी, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ना रट्टा लगाने की जरूरत है, ये जस्ट एक अपने इंटरेस्ट के लिए कि यार ये है क्या चीज, उसको मैंने देखा है। चलें जी, अब इसको जरा लेके चलते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास, अ कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट विद द अर्थ एट इट्स फोकस व्हेन इट द कॉमेट इज 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, द लाइन जॉइनिंग कॉमेट एंड द अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, हाउ क्लोज विल द कॉमेट टू द अर्थ। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ना, नहीं हंसने की क्या बात है, सिंपल नहीं है, बस पढ़ लिया तो हो गया, बात खत्म हुई। लेकिन चलें अब इसको जरा आप डीकोड करते हैं। एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप डीकोड कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बेटा बहुत इजी फॉर्म में आ जाता है। चलें जी डीकोड करना शुरू करते हैं। ये लें जी आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस पैराबोलिक ऑर्बिट है जी, एक उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है, एक्स वाई है, तो ई बी अर्थ, लेट द अर्थ बी एट फोकस हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0। अर्थ हम ये कहते हैं कि ये देखें ये पैराबोलिक पाथ में ये वो कह रहा है ऑर्बिट का कॉमेट का है, ये आपके पास ओरिजिन है और इसको हमने फोकस का नाम दे दिया है 0 0। और एक्चुअली इस फोकस को उसने क्या बोला है, उसने अर्थ बोला है, ठीक है, ये फोकस क्या है, अर्थ है, ये एफ जो है ये अर्थ है। अब जरा मैं डीकोड करता जाऊंगा, आप डायग्राम भी साथ साथ देखते रहें। अ कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट, ये एक पैराबोलिक ऑर्बिट है विद द अर्थ एट इट्स फोकस, अर्थ जो है ये फोकस है। फिर यहाँ तक ओके, यहाँ तक अभी मैंने डायग्राम बनाई है। When comet is 150,000 kilometer from the Earth, ये जो comet है, obvious बात मैं यहाँ से इसको गिरा रहा हूँ। If the comet is at point P, यहाँ से comet आया जी, ये देखें, ये point P पे है और comet कौन सा है, ये वाला। अब आपको diagram ज़्यादा इजी हो रही होगी। यहाँ से ये comet आ रहा है, point P की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है, when the comet is 150,000 kilometer from the Earth, जब ये Earth से distance, यानी कि इस point का, इस comet का इस अर्थ से डिस्टेंस 150,000 किलोमीटर हो, तो देखो ये मैं बना भी देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 150,000। अब समझ आ रही है जी, व्हेन कॉमेट इज 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, द लाइन जॉइनिंग द कॉमेट एंड द अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो वो ये कह रहा है कि ये जो इन दोनों को लाइन मिला रही है वो एंगल कितना बना रही है, वो 30 डिग्री का बना रही है। तो ये एंगल देखो 30 डिग्री, समझ आ रही है, देखो कितना मजे का क्वेश्चन बनता जा रहा है। अगर आप डायग्राम से समझते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े बड़े बहुत इजी और मजे के होते हैं। अच्छा जी, तो एंगल बना लिया 30 का, आपको ये कह रहा है हाउ क्लोज विल द कॉमेट टू द अर्थ, ये कितना क्लोज है, हाउ क्लोज विल,
होगा द कॉमेट टू द अर्थ। तो जरा निकालते हैं जी, हमने पॉइंट ले लिया पी, अब जरा और आगे चलते हैं जी। आपके पास ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई का नाम दे दिया है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने एक्स का नाम दे दिया है। अब इफ अ वर्टेक्स एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, देखें ये फोकस है, ऑर्बिट आपके पास इस तरह का पैराबोला बन रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड पे आएगा फोकस, और ये वाला पॉइंट जो है फोकस क्या होता है, जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को या एक्सिस ऑफ एक्सिस को कट करती है, ये आपके पास वर्टेक्स कहलाता है। तो वर्टेक्स क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव एक्स ओरिजिन से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कर लिया ए, चूंकि नेगेटिव साइड पे है तो माइनस ए आ गया, चूंकि ये एक्स एक्सिस पे लाइक आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट इसमें जीरो आ जाएगा, तो ऑर्डिनेट जीरो हो गया, एक्स की जगह आपने माइनस ए लिख लिया। तो देखो ये समझ आ रही है, इफ वर्टेक्स ए हैज कोऑर्डिनेट दिस देन, ओके मैं डिस्टेंस भी दे लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिस्टेंस ए है चूंकि नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव ए। अच्छा आपको ये पता है कि इस तरफ अब आपका डायरेक्टर्स की कोई होती है, ठीक है, पैराबोला अगर ये राइट साइड पे है तो लेफ्ट पे ये डायरेक्टर्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस भी क्या होगा माइनस ए, इट मीन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या आ जाएगी आपके पास, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो देन द डायरेक्टर्स ऑफ द पैराबोला ये इक्वेशन होगी वो क्या होगी माइनस ए। आप यहाँ से भी डिस्टेंस देख सकते हैं, माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस टू ए आ जाएगा। तो मैंने कोशिश की है इसको बेटा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझाने की, अगर अक्सर आप की बुक वाला में देखें तो उसने डायरेक्ट ये चीज लिखी हुई है, तो डायरेक्टर्स ऑफ पैराबोला यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए। बहुत मजे का क्वेश्चन होने जा रहा है, बड़ा सिंपल सा होने जा रहा है, आगे चलें। ये आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए बाई डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। डेफिनेशन पैराबोला की क्या थी, क्या था पी एफ और पी एम, यही तो हम लेके चल रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, कि ये पी एफ का डिस्टेंस और पी एम का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, और यही डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। यहां तक पहले देखें जी को कंफ्यूजन, ओके जी चले अगले पेज पे चलते हैं। बस इस डेफिनेशन को हमने अब यूज करना है, और यूज जरा प्रॉपर वे में करते हैं जी, ओके जी आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं जी। आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसको आगे लेके चलते हैं। डायग्राम मैंने दोबारा बना दी, ऑब्वियस बात आपने एक ही दफा बनानी है। अच्छा जी, पी हमने पॉइंट लिया था इस पैराबोला पे जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो वही वाला पहले पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस निकालने, और क्या फॉर्मूला था टू पॉइंट के दरमियान, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। सो पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और यू कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। एक्चुअली ये अगर आप देखें P और F का डिस्टेंस उसने दिया हुआ था 150,000 किलोमीटर, ऐसे ही है, तो यहाँ पे भी यही चीज है। कुछ की बुक वाले इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपकी एग्जाम्पल वाले ने ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया था, तो मैं भी इसी को यूज कर रहा हूँ ताकि बेटा एग्जाम्पल भी आपकी उसी तरीके से हो जाए और क्वेश्चन भी, सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज होगी, ऑलमोस्ट आपका सारा क्वेश्चन सेम होगा। तो अब आ गया ये एक पॉइंट का, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस P और F का, अब हम ले रहे हैं एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, और याद है फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स उसने हमने निकाली हुई है x इज इक्वल टू माइनस टू ए, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था वैसे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, क्योंकि ए इसमें इन्वॉल्व है तो मैंने खुद इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया ए वन बी वन और सी वन। तो बेटा देखते हैं आपके पास पैराबोला की इक्वेशन थी ये नेगेटिव टू ए, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, वाई इसमें नहीं आए तो उसको मैंने जीरो टू वाई लिख दिया है, ताकि जब बेटा आप कंपेयर करें तो आपके लिए आसानी हो। मीन ए वन इसमें आ जाएगा वन, बी वन जीरो है, और सी वन इसमें क्या आ जाएगा ये टू ए आ रहा है। तो ए वन बी वन सी वन की वैल्यू रखें, एक्स वन एक्स के इक्वल आ जाएगा और वाई वन वाई के इक्वल, चूंकि पॉइंट एक्स और वाई दिया हुआ है। सो ये सारी वैल्यूज आप रख लें, नीचे आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर जो कि वन अंडर रूट है वो वन ही होता है। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर थ्री, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, मीन पी एफ भी आ चुका है और पी एम भी आ चुका है। अब सिर्फ क्या करना है आपने, वही सिंपल सा काम जो क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट वन थ्री अभी एक एग्जांपल में भी किया था, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखें तो ऑलमोस्ट ये वही चीजें रिपीट कर रहा है, ठीक है। डायग्राम बनने के बाद आपके पास वही चीजें इक्वेशंस वगैरह यूज हो रही हैं, तो अब अगली स्लाइड पे जाते हैं और इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। मजे का क्वेश्चन है, सिंपल है, वही बात है, अगर डायग्राम समझ आ जाती है तो आगे बेटा आपके लिए ये काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है। चलें जी, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, ये दोनों हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन टू और थ्री, पी एफ आपके पास ये आया था, पी एम ये आया, ठीक
ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट है, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर ले रहा हूँ, ले सकता हूँ ओके। अब आपको ये बताया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू ए स्क्वायर। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आगे चलते हैं जी। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, याद है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है पी एन और एफ, ये राइट एंगल है और फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे पाइथागोरस का, और वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें 150 है, परपेंडिकुलर इसमें वाई है, बेस इसमें एक्स है, तो ये आ गया आपके पास। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया 150,000 स्क्वायर होल स्क्वायर के, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा ये 5 को अब हम किसमें फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास एक्चुअली ये x प्लस टू ए स्क्वायर किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और ये एज इट इज इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया एक्स प्लस टू का टू ए का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो एक्स प्लस टू ए आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें फिर कह रहा हूँ मैंने कोशिश की है काफ़ी स्टेप्स इसको एक्सप्लेन करने की, आपके बुक वाले या की बुक वालों ने डायरेक्ट इसको किया हुआ जो कि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं, तो मैंने कोशिश की है यार इसको थॉरली लेके चलूँ, तो इसमें अगर दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा भी आ जाएँ तो टेंशन ना लीजिएगा, बाद में आप कहते जी इतना आप थॉरली करवा देते हैं, भाई थॉरली करवाता हूँ तो समझाने के लिए करवाता हूँ, अगर समझ आ जाती है तो फिर उसका फ़ायदा भी है। अच्छा जी यहाँ तक पहले देखें कोई कन्फ्यूजन ओके है, से दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है जी चले आगे ओके। ओके जी नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ रही है ये दोबारा डायग्राम बता दी है, राइट एंगल ट्राइंगल यूज करें, कॉस एंगल क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें क्या आ रही एंगल इसमें है जी, अच्छा ये इक्वेशन हमने निकाली हुई है इसको भी हमने यूज करना है, खैर एंगल इसमें क्या आ रहा है राइट एंगल में इस एंगल को भी यूज करते हैं कॉस 30, बेस इसमें है एक्स, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है 150,000, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है ठीक है ये राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 150 इनटू दिस, कॉस 30 की वैल्यू आपके पास होती थी अंडर रूट 3/2, और सिंप्लीफाई कर लें ये 2 डिवाइड करेंगे 150 से 75,000 आ जाएगा ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है ये एक्स की वैल्यू उठानी है और इस इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देनी है, सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 6 मैंने राइट पे रिमाइंडर के लिए लिख दी है, ये 6 थी, अब आप क्या करेंगे एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे 150 में से ये आपके पास क्या आ जाएगा 75,000 इन दोनों में से कॉमन निकल आएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये 2 आ रहा है और इसको डिवाइड करेंगे तो ये अंडर रूट 3 आ रहा है, 2 को डिवाइड कर लें जी उधर जाके तो ये 75,000 ओवर 2 और यू कैन से दैट 37,500 इनटू 2 माइनस अंडर रूट 3 किलोमीटर, तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ रहा है वो आपके पास आ रहा है कॉमेट इज क्लोज टू द अर्थ व्हेन इट इज एट दिस किलोमीटर फ्रॉम द, तो आप देखें क्वेश्चन सिंपल है, एक से दो दफा जब यूट्यूब पे देखेंगे तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो कोशिश मैंने की है बेटा एक एक छोटा छोटा स्टेप भी इसमें ऐड कर दिए ताकि जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट के आ रही थी वो खत्म हो जाए, तो होपफुली इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा। अब अगर ईजी नहीं हो रहा तो एक एग्जाम्पल करते हैं और आपके लिए ईजी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी इससे मिलती जुलती है, एक सेकेंड एग्जाम्पल है जो हम लेके जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अटैच कर दी थी कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड थी, अब ये कॉमेट वाला ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल आपके कौन सी पेज पे है जी, लेट्स सी आपका पेज नंबर 279 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, और अब आप देखें ये क्वेश्चन दोनों कैसे आपस में मैच कर रहे हैं, कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट वहां पे भी था, वहां पे वर्ड उसने सन यूज किया था अर्थ किया था, यहाँ पे सन ये 100 मिलियन किलोमीटर है वो 150,000 किलोमीटर था, सारा वही है वहां पे एंगल 30 है यहाँ पे 60 है, वहां पे क्लोज टू द अर्थ था ये क्लोज टू द सन है, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे मैं एक्चुअली वही डायग्राम यूज करूंगा ऑल टुगेदर वही चीजें यूज करूंगा, जस्ट एंगल चेंज हुआ है या डिस्टेंस चेंज हुआ है तो बाकी क्वेश्चन आपका वही है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ किया है, तो जरा बिल्ड करते हैं जी, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वहां पे अर्थ फोकस पे था, यहाँ पे ये सन भाई साहब जो हैं ये फोकस पे है, तो बनाए सन छोटा सा जी ये ले है ना मजे का,
तो ये एक सन है जी जो कि फोकस पे है, ऑब्वियस बात है ऑर्बिट को देख रहा है, ऑर्बिट कहाँ से आ रहा है वो भी हम पकड़ते हैं। इफ द सॉरी कॉमेट है, कॉमेट कहाँ से आ रहा है, एट पॉइंट पी है, पी पॉइंट पी यहाँ पे है और ये कॉमेट भाई साहब आ गए, ये कॉमेट है। अब आगे चलते हैं जी, आपके पास इन दोनों का डिस्टेंस तो 100 मिलियन किलोमीटर है, तो ये 100 मिलियन आ गया जी। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, और उस बात ये वाई और एक्स हमने कहा था एंगल जो था इन दोनों के दरमियान वो 60 डिग्री था, वहां पे 30 था ये 60 है, तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस वाई है, यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, सेम पैटर्न पे बेटा मैं सेम लेके जा रहा हूँ, वो अर्थ की जगह सन आ गया, डिस्टेंस चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ और क्वेश्चन वही है। ओके जी चले आगे, इफ वर्टेक्स वी एज ए कोऑर्डिनेट, उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस ए एंड जीरो, बताएंगे डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या होगी, अभी हमने किया था माइनस ए और फिर इस तरफ इतना ही जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू ए, जबरदस्त। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर, सॉरी वर्टेक्स कह रहा हूँ, डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए आ गई है, सो देन द डायरेक्टर्स ऑफ ऑरिपोल, बिल्कुल सेम वहां पे भी हमने यही निकाला था, यहाँ पे भी सेम आ गया, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं और इसको आगे कंटिन्यू कहते हैं, वही चीज आगे आ रही है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू पी एम। इसी तरीके से अब बेटा इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे और उस रिजल्ट को आगे हम क्या करेंगे यूज करेंगे। देखें यहां तक कोई मसला पहले, तो अब ऑनेस्टली देखो ये वही नहीं चीज थी जो भी हम कर रहे थे, ठीक है चले जी। तो इसलिए ये मजे की एग्जाम्पल भी होगी है, ऑब्वियस बात अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो एग्जाम्पल आपके लिए मुश्किल नहीं है, चलो फिर एग्जाम्पल समझ लो फिर क्वेश्चन ही मुश्किल होगा, ठीक है जो आपका फेस बता रहा है जी। चले आगे कंटिन्यू कह रहे हैं जी, आपके पास पी हमने पॉइंट कहा था, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ उसी तरह एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये एक्स माइनस जीरो, एक्चुअली ये वही चीज बन रही है जो हम पहले कह रहे थे, वहां पे सेम चीज आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस है सेम हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स है व्हिच इज एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए है, इसी तरीके से फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस एक पॉइंट का एक लाइन से और वो क्या वैसे होता है ए एक्स वन बी वाई वन, तो हमने ए वन बी वन इसलिए कहा है कि कंपेयर करते हुए हमें आसानी हो, मिक्सर कोई ना हो, तो ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, बी वन जीरो, सी वन टू ए, एक्चुअली ये सेम चीज है, सेम मैंने कॉपी किया हुआ है, कोई नई चीज नहीं आपको मिल रही, पी एम एस में पुट कर लेंगे, मीन ए वन बी वन सी वन और ए स्क्वायर ए वन वन था और ये वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर वन आ जाएगा, एंड अगेन यू कैन से सी दैट सेम इक्वेशन, एक्चुअली ये पूरा पेज सेम आ रहा है जो हम पीछे एग्जाम्पल क्वेश्चन में कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर रहे हैं, सो वी हैव एक्स प्लस टू ए से दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री, यहां तक बेटा देख लें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके जी अब इन दोनों को जरा इक्वल भी रखते हैं, दोनों चीजें हम निकाल चुके हैं, हम पी एफ भी निकाल चुके हैं, हम पी एम भी निकाल चुके हैं, चलें ये रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं, सो वी हैव पी एफ पी एम इक्वल यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, पी एफ आपके पास ये था पी एम ये है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, सेम आप देखें स्टेप आ रहे हैं, दो स्लाइड पहले यही काम हम कर चुके हैं, से दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, नाउ अगेन यूजिंग राइट एंगल, मैंने सेम नाम रखे हैं ताकि आपके जेन में रहे, पी एन एफ हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, we have perpendicular y, we have base x and hypotenuse आपके 100 million था और simplify कर लें तो यहाँ तक आ गया है। अब ये आप क्या करेंगे, इसको equation 4 से आप x square plus y square की value ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x plus 2a is equal to 100 million whole square। okay जी इसको अब आगे continue करते जाएं जी, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये भी आपके पास खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x प्लस ए आपके पास क्या आ गया, ये 100 मिलियन आ गया, ऐसे ही जी। फिर आगे चलते हैं, ये x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप देखें सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन चल रहा है, जो एग्जांपल चल रही है जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब अपना जरा आप बुक में जब एग्जांपल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्टेप भी समझ आएंगे कि कौन कौन से उसने स्किप किए हैं और कैसे उसने डायरेक्टली लिखे हैं, यहाँ तक पहले ओके ओके है जी। अब x की वैल्यू जरा हम निकाल लेते हैं और राइट एंगल को यूज करते हुए जरा x की वैल्यू निकालते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में निकाली थी, यहां तक पहले देखें जी ओके चले आगे ओके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये कॉस थीटा, उसी तरह बेस ओवर हाइपोटेनस, आपके पास एंगल आ रहा है 60 डिग्री, आपके पास हाइपोटेनस था 100 मिलियन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 100 मिलियन इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसको 100 मिलियन को 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास 50 रह जाएगा। और इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, ये राइट साइड पर लिख भी दिया है इक्वेशन नंबर 6 में। सो वी हैव 2a इज इक्वल टू 100 मिलियन माइनस x था, x की वैल्यू रखेंगे तो ये 100 माइनस 50 आ जाएगा, तो ये आ गया 50 मिलियन। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या रह गया, 25 मिलियन। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉमेट है क्लोजेस्ट टू द सन when it is 25 million kilometer from the sun. अगर ये sun से 25 million kilometer दूर है तो ये आपके पास required distance है, इतना close वो उसके पास होगा। तो अब आप देखें जी, उम्मीद है कि ये दोनों example और ये question अब आपके लिए easy होंगे। मैंने same pattern, same equation, हर चीज़ करके दी है ताकि बेटा आपको समझने में आसानी हो। तो ये थे जी आपका question number 6। अब चलते हैं आपके आज के last question की तरफ। क्वेश्चन नंबर है वो 8, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। और ये भी मजे का क्वेश्चन है जी, इसको भी मैंने कोशिश की है डायग्राम से समझाने की। तो आपके पास क्या है जी, पैराबोलिक आर्क हैज 100 मीटर बेस, पैराबोलिक आर्क हैज 100 मीटर बेस एंड हाइट ऑफ 25 मीटर, और इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। आपने हाइट इसकी फाइंड करनी है, ठीक है, और एट दैट पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। इसको मैं क्या करना जा रहा हूँ, इसको मैं डी कोड करने जा रहा हूँ। ये एच यहाँ पे मिसिंग है, आर्क का ए आर सी एच है, ये कंडीशन ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, इसको जरा डी कोड करते हैं। और ये क्वेश्चन भी बड़ा मजे का है, ये भी मुतले की बुक ने मुतले वे से ये किया हुआ है। ऑब्वियस बात है, पहले मैं पिछले सालों में जरा की बुक वाला जरा मेथड यूज करता था, इस मतलब थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है, बिकॉज इसको मैंने एग्जाम्पल जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है एग्जाम्पल नंबर 6 उसके साथ मिलाने की कोशिश की है। जिस तरह अभी हमने 6 क्वेश्चन और एग्जाम्पल को इकट्ठा किया, इसी तरह मैं 8 क्वेश्चन और एग्जाम्पल को एक जगह कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, होपफुली आप इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। अब पैराबोला फॉर्म्ड हैज दी पैराबोला फॉर्म्ड हैज ए एज अ वर्टेक्स एंड फोकस ऑन वाई एक्सिस। तो जरा देखें जी, मैं आपके पास ये पैराबोला बना दी है, इसका वर्टेक्स मैंने लिया है ओरिजिन 0 0, मिशन ए ले लिया है जो कि वर्टेक्स है, ठीक है जी। एंड अब फोकस ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने इसका क्या किया है, फोकस कर दिया है। ये आपके पास आ गई, यहाँ तक पहले देखें जी, ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। ये सारी लैंग्वेज आपको 6 चैप्टर की थ्योरी में सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे उसने कहा है कि इस पैराबोलिक आर्क का जो बेस थी वो 100 मीटर है, ठीक है। बेस कितनी है जी, 100 मीटर, यहाँ से बेस इसकी 100 मीटर है। अब यहाँ पे जरा गौर करें, ये बेस 100 मीटर है, कलर लैंग्वेज यूज की, जो नीचे है वही ऊपर डिस्टेंस होगा। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ, जरा देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखें 100 है ना, आधा इस तरफ कर लिया, आधा इस तरफ कर लिया, तो देखें इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 50। चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, तो ये आ गया 50 0। इधर अगर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि उस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट में नेगेटिव 50 आ जाएगा। देखो समझ आ रही बात की, मैं फिर कह रहा हूँ डायग्राम पे फोकस करें, आपने पेपर में ये जरूर बनानी है। जैसे आप डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन आप देखें आपके लिए कितना ईजी होता जा रहा है। अच्छा, इसका एक और मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 50 है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ये देखते हैं जी। एंड हाइट ऑफ 25, ये जो पैराबोलिक आर्क है इसकी जो हाइट है 25 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 25 और ये भी 25 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो यहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक 50 है, इधर 25, तो ये क्या आ जाएगा, एन इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला है। चलिए पहले उसने इक्वेशन लिख ली है, अगर आप देखें तो ये ओपन अप वर्ल्ड है, इसकी इक्वेशन आप पेज नंबर 2 उसी तरह 76 पे देख सकते हैं। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, थर्ड कॉलम है जो आपका लेके चलेगा 276 पे। अब चलें जी, पॉइंट मैंने जिस तरह ये कह रहा था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कर्सर है, ये आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x 50 है और y 25। अगर लेफ्ट साइड पे करें तो -20 और 25 है, तो इसके कोऑर्डिनेट समझ आ गएंगे। ये जो लिखता है कि 50 और 25 कैसे आ गया वो ओके, चलें आगे आगे चलते हैं जी। अब चूंकि ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
मीन आपने क्या करना है, ये जो जनरल इक्वेशन हमने लिखी है एक्स की जगह पे 50 पुट कर देना है और वाई की जगह पे हमने 25 पुट कर देना है। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 50 एंड वाई इज इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई करें, एक्चुअली हमें ए यहाँ से मिलने जा रहा है, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, 25 इंटू 400 डिवाइड कर लें तो ये 00 कैंसिल होगा, 100 से डिवाइड 2500 से 100 डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, तो ए हमारे पास आ गया है। और जैसे ही हमारे पास ए आ रहा है, अब इस ए को हम किस में पुट कर देंगे, आपकी इक्वेशन वन में। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25 मीन 105, ये जनरल इक्वेशन आ चुकी है। अब इससे आगे क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर रहे हैं और इस आगे क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, इस आर्क की आपने हाइट फाइंड करनी है एट द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। मैंने यहां से थोड़ी सी चेंजिंग की है, मैं फिर कहूंगा आप कीबुक वगैरह में देखेंगे तो उसने ये ओपन डाउनवर्ड आर्क बनाई हुई है, किसी ने डिफरेंट वे में किया हुआ है, ये मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया, उम्मीद है कि ये ठीक होगा। अच्छा जी, और अक्सर की बुक वालों ने आंसर भी इसका डिफरेंट लिखा है और मैंने बुक वाला आंसर बनाने की कोशिश की है, तो जो अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने इसको किया है। हाँ, इसको अगर कोई करेक्ट करना चाहे, कोई और सजेशन हो एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं आप स्टूडेंट से आप दोस्तों से ही ये चीज़ें सीखता हूँ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन समझे, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, इस आर्क की उस वक्त हाइट फाइंड करनी है एट द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस, जो इसके सेंटर से जब 30 मीटर इधर जाए तो तब आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से इधर 30, वैसे ये यहाँ तक था, यहाँ से लेकर कसर पे फोकस करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 था, वो कह रहे थे 30 तक जब जाना ना तो अब आप तब हाइट फाइंड करनी है। मीन मैं क्या कह रहा हूँ, x इज इक्वल टू 30, मैं यहाँ पे ये डायग्राम में भी बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये 30 है, अब आपने हाइट ये वाली हाइट फाइंड करनी है। अब मैं दोबारा इसको कह रहा हूँ, डी कोड जरा देखिएगा, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है, तो कहता है अगर सेंटर से 30 मीटर दूर जाते हैं तो यहाँ से इस आर्क की हाइट आप फाइंड करनी है, ये हाइट आपके पास हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो जनरल इक्वेशन आ चुकी है इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू आप 30 रख लेंगे, तो वाई का आंसर क्या आ जाएगा, 30 स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 9, तो 9 मीटर तब हाइट होगी जब आप 30 मीटर सेंटर से इस तरफ जाएंगे। Thus, the required height is equal to 9 meter. मेरे ख्याल में ये ऐसे है, मुख्तलिफ कीबुक वालों ने इसको मुख्तलिफ वे में किया हुआ है। हाँ, एक कीबुक वाले ने इस तरीके से भी इसको किया हुआ था क्योंकि उसने डायग्राम इसकी नहीं बनाई हुई थी, तो मेरे ख्याल में इसका ये आंसर बन रहा है, आपकी बुक में भी यही आ रहा है। बाकी कोई और कोई इसमें एडिशन करना चाहें, सब्ट्रैक्शन करना चाहें, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ये था दी आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये आर एच यहाँ पे मिसिंग है यार, ये डाल लेना, टाइम शॉर्ट है क्वेश्चन क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन मेरी कोशिश है जिस तरह आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि सर एक ही लेक्चर में इसको मैंने पूरा करना है, सो उसको मैं लेके चल रहा हूँ। अब रह गई है इसी तरीके से, बिल्कुल ये पेज ज़रा सामने रख लें, अपने माइंड में इसको ज़रा आप रख लें। अब एग्जाम्पल नंबर 6 और लास्ट एग्जाम्पल है दी आज के लेक्चर की, बिल्कुल सेम पैटर्न पर मैं करवाने जा रहा हूँ और मैंने इसीलिए कोशिश की थी कि यार ये दोनों सेम आ जाए। ओके जी, तो चलते हैं जी, आपके पेज नंबर 280 पे है, एग्जांपल नंबर 6 है और यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज की उसने बात की है, वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ टू हेज टावर ऑफ 100 मीटर हाई अबव द रोड सरफेस एंड आर 400 मीटर अपार्ट, द केबल्स आर पैराबोलिक इन शेप एंड द टेंजर आर टेंजेंट टू द road surface at the center of the bridge, find the height of the cable at 100 meter from the center. अब आप देखेंगे ये example और जो भी हमें question number 8 की है, कितना एक जैसा आपको feel होगा, same चीज आपको नजर आएगी। Parabola हम जो form कर रहे हैं, vertex उस तरह मैंने 0 ले लिया है क्योंकि वो कहता है road से ये tangent है, तो tangent है, एक point पर touch कर रही है, ये मैंने vertex इसका 0-0 कह दिया है, focus हमने y-axis पे कर लिया है इसका। अब इसके बाद इसकी जो बेस थी वो 400 मीटर है, इस आग की जो बेस बन रही है वो 400 है याद है, और हाइट इसकी क्या दी हुई है वो 100 मीटर है, तो हाइट 100 मीटर आ गई, बेस इधर हाइट है तो इधर भी आप चलेंगे। ओके, बेस इसकी दी हुई है 400 का मतलब क्या है, ओरिजिन से इस तरह भी 200 कर लेते हैं, इधर भी 200 कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे जरा बताएं फिर। यस, 200 एंड 0, और इधर क्या आ जाएगा, जबरदस्त, -200 एंड 0,
वही वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला सेम हम अपवर्ड ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉइंट हमने कौन सा लिया है, भले आपसे पूछना था चलो लिख दिया है, यहां से यहां तक ये ले लेंगे पॉइंट 200, एक्स है और वाई 100 है, तो ये पॉइंट क्यू है, अगर लेफ्ट साइड पे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट आ गया जी क्यू विच लाए ऑन दिस पैराबोला, अगर ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाए कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मीन पुट कर दें, x is equal to 200 and y is equal to 100 in equation 1, x की जगह पे आपने 200 रखा है, y की जगह पे आपने 100 रखा है, so we have 4000 is equal to 400, a क्या आ जाएगा, ये 400 उधर के डिवाइड कर देंगे तो 10 आ रहा है, और इस a की वैल्यू आप कहां पे पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में, so put a is equal to 10, ये 10 है, ये 100 है, ये यहां पे ये आपके पास 400 है और 200 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 100 है, ये थोड़े से इक्वेशन कर दूं जी मैं, डिवाइड करते हुए जरा डायरेक्ट एक जीरो खा गए, ठीक है, तो ये एक्चुअली यहां पे आ जाएगा 200 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 400 आ गया, ठीक है, और दो जीरो हम कैंसिल करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे 100, ओके, ये एक डिवीजन थी जी, जरा स्क्वायर करते हुए, चलें जी, एक छोटी सी करेक्शन थी, अब आगे चलते हैं जी, आगे क्या चलना भी, ऑल द वे हमें दोबारा इसको बिल्ड करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, हमने कौन सा, ये ऑलरेडी कंपोज्ड है, इसकी हमें टेंशन नहीं, जस्ट हम क्लिक करते जाएंगे चीजें आती जाएंगी, अच्छा जी, तो ये आपके पास जब हमने 200 रखा है तो ये आ गया 40,000 और 400 जी बिल्कुल 40,000 आ रहा है, इसको 100 से 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ रहा है, अब आपने a इक्वल टू 100 पुट कर देना है कि इसमें इक्वेशन 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 × 100 × y, इसका मतलब जो जनरल इक्वेशन आ गई आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 400y आ रही है, यहां तक देख लें कोई मसला, अब आपके पास बिल्कुल सेम सिचुएशन आ गई है जो क्वेश्चन नंबर 8 में थी, आपको ये कह रहा है कि आपने हाइट फाइंड करनी है ऑफ द केबल एट द पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से 100 मीटर इधर आए, मीन उसी तरह यहां से मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, यहां से हम 100 इधर आए, तो वो कह रहा है कि इस वायर की जो है आपने, इस केबल की जो है हाइट फाइंड करनी है, मीन ये वाली हाइट फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 100 को ये जनरल इक्वेशन जो निकाली है उसमें पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ गया 400 से इसको डिवाइड कर दें तो 25 मीटर आ रही है, चेक कीजिएगा जी 25 मीटर, सो द रिक्वायर्ड हाइट इज, ये देखो डायग्राम में हर चीज में मेंशन करता जा रहा हूं, तो रिक्वायर्ड हाइट इज 25 मीटर, तो ये थी जी आपकी 6.4, आपसे चूंकि बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज की रिक्वेस्ट आई थी, ये एक्चुअली ऑप्शन में हम छोड़ देते होते हैं बिकॉज 6.12 से आपका पेपर आता होता है, फिर आगे देश है, चूंकि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट आई थी कि ये 6.4 करवा दें, बस आपसे बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मेरे लेक्चर होते हैं, ऑनलाइन मेरी क्लासेज होती हैं, तो बहुत कम टाइम होता है कि मैं इसको दे सकूँ, लेकिन फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे बास टाइम, अब ये इसी पे मुझे तकरीबन 1 वीक के करीब लगा है, मुझसे मैंने टाइम दिया है तब जाके ये हुई है, और ये भी चूंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें 6.4 का, आगे हम देख लेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 6.4 मैंने करवा दिया, अब ये ना हो कि जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आगे आ जाए जी 6.6 करवा दें, 6.7 करवा दें, और भाई एक एक्सरसाइज पर बहुत टाइम लगता है, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि अब जो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये तो अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 है, मैं कोशिश करूँगा पहले उसको करवाऊँ, बाद में टाइम होगा तो मैं ज़रूर करवाऊंगा, बट अभी इतना मैंने ज़रूर करवा दिया है, जो आप अपने ऑन पे तैयारी करना चाहें तो बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, अभी तक के लिए, अभी जिस तरह भी एक कमेंट आया एक स्टूडेंट का कि जी आप सेकंड ईयर के नहीं कहते, फर्स्ट ईयर के जो मर्जी लेक्चर आपका निकाल लें, तो वो छोटे बच्चे हैं यार, उनका ज़्यादा हक है, तो उनका ज़रा पूरा कर लिया, अब आपको टाइम देता हूँ, टाइम एक्चुअली दोनों के लिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सेकंड ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके अपलोड करता जाऊँ, ओके जी अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी, ओके जी अल्लाह हाफिज़।